सभी लोग लॉगिन हो गए। जी सर, जी सर, ओके जी सर, स्क्रीन जी शेयर हो सर, रही है जी हमारी। जी सर, हो रही है सर, स्क्रीन आज शेयर हो आपका रही एक गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है स्टोर रिलेटेड मैटर से, ठीक है ना? तो मिस्टर जी देवेंद्र बिल्कुल जी सर। आपको अभी आगे क्लास लेंगे, अगली आवाज उनकी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, आज हम लोग स्टोर मैटर पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं तो उसमें हम खाएंगे। आप सबको स्टोर के बारे में कोई जानकारी है? स्टोर मैटर में कभी डील किया है नहीं सर, सर कभी? मैंने 11 इयर्स तक स्टोर में काम किया, 11 इयर्स। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो वहां का तो आपको सब सिस्टम पता होगा, टैली बुक मेंटेन करना। हाँ सर, सर एमटी वगैरह या डीएसएड वगैरह सब ऑल ऑल सब पता है सर, डेली अच्छा, बहुत, ट्रांजेक्शन वगैरह सब। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम एक जो हमारा रेलवे में डिपार्टमेंट है ना, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम स्टोर्स के नाम से जानते हैं, जो भी रेलवे में जो भी मटेरियल आप यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं से परचेज होता है, तो उसको परचेज करने के लिए जो डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है वो डिपार्टमेंट कहलाता है मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, दैट इज स्टोर्स। अच्छा, केवल खरीदने से नहीं, साथ में आपने कभी डीएसएड भी किया होगा चीजों को। जब भी आप यूज कर लेते हैं और जब कोई कोई भी मटेरियल जो है, सपोज अब वो ऑब्सोलीट हो गई या उसका जो लाइफ है वो कंप्लीट, कोडल लाइफ पूरा हो गया है, आप क्या करते हैं उसको स्टोर को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, डीएसएट बना के। तो ये पूरा साइकिल, मटेरियल से रिलेटेड पूरा साइकिल जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है। एक पहली जो लाइन है इसमें है, द एफिशिएंसी ऑफ अ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, अब ये रिसोर्सेस क्या क्या होंगे? मेन, मटेरियल एंड मनी, ठीक है। और अगला जो है वो मशीन से रिलेटेड है। तो जो हम लोग इन पर्सन काम करते हैं, वी कॉल अपने आप को, हम क्या बोल सकते हैं, मेन। तो हम लोग भी वन शॉर्ट ऑफ रिसोर्स ही हुए, और दूसरा है मटीरियल, बराबर। और ऑफ कोर्स अगर मटेरियल है तो कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व हो गया उसमें, ठीक है। और जो चौथी चीज है वो मशीन्स हैं। अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन्स को यूज करते हैं। आउट ऑफ दीज, मनी एंड मटेरियल्स आर रिलेवेंट मैनेज्ड बाय स्टोर्स। मनी और मटेरियल को हम इस डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज कराते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों रन करता है? एक तो उसका क्लियर कॉन्सेप्ट होता है भाई, प्रॉफिट आए, और दूसरा कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो वहां जब भी प्रॉफिट आएगा, तो हम इकोनॉमिक्स के वे में अगर जाएं तो वहां पर हर चीज का रेट ऑफ रिटर्न आपको चाहिए होता है। यदि आपने कुछ सपोज इन्वेस्ट किया तो उसका रिटर्न क्या है वो हम पहले सोचना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पर एक डेफिनेशन आती है रेट ऑफ रिटर्न की, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी जज्ड बाय रेशियो नोन एज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कई बार इसको आरओआर भी बोलते हैं, कई बार आरओआई भी बोलते हैं, बिकॉज आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, बराबर, विच इज डिफाइंड एज प्रॉफिट्स अर्न्ड पर यूनिट इन्वेस्टमेंट। तो आरओआर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हम सब जानते हैं, इट इज अ रेशियो, किसका रेशियो है, प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना हमने कैपिटल लगाया है, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट किया है, कि उससे कितना प्रॉफिट हुआ, दैट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको हम डिफाइन करते हैं आरओआर से। और आरओआर हमेशा क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए,
ये अगर ग्रेटर देन वन होगा इसका मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विन विन सिचुएशन में है, अच्छा अर्निंग कमा रही है। प्रॉफिट की आप डेफिनेशन जानते हैं क्या है, टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल किस किस चीज से बना है, आपकी कुछ फिक्स्ड असेट्स होंगी और प्लस जो करंट असेट है। अब करंट असेट में जनरली मटेरियल, वो भी मटेरियल आप जो करंट डेज में यूज करते हो टू गेट द फिनिश प्रोडक्ट, वो भी उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आरओआर के अराउंड ही सब चीजें, सारी चीजें जो है वो रन करती हैं। अब हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। जो टॉपिक दिया गया है स्टोर्स, वो समझ में आ गया, स्टोर एक डिपार्टमेंट है रेलवे में और इसका काम है मटेरियल के परचेज से लेकर और उसके डिस्पोज ऑफ तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी डिपार्टमेंट को दी गई है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टोर्स, उसमें मेजर है स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम्स। तीसरा टॉपिक आज का होगा एबीसी एनालिसिस, उसके बाद होगा इंडेंट, बराबर। नेक्स्ट टॉपिक होगा डीटीआर डीटीआई, डेपो ट्रांसफर रिसीट और डेपो ट्रांसफर इशू। उसके बाद सिक्स टॉपिक है डीएसएट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टॉक शीट, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट को कई बार इन्वॉल्व करते हैं या डिपार्टमेंटल भी स्टॉक शीट बनता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फाइनली आप जो मेंटेन करते हैं दैट इज टैली बुक, उस पर बातचीत करेंगे, बराबर। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम्स, स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम्स, ठीक है। तो हम जानते हैं हम जो भी मटेरियल यूज करते हैं रेलवे में, ऑल द मटेरियल्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, पहला है स्टॉक और दूसरा है नॉन स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक आइटम किसको बोलेंगे, तो जो पहला बुलेट है इसमें, पहला हाईलाइट है, द स्टॉक आइटम्स आर दोज आइटम्स फॉर विच देयर इज अ रेगुलर डिमांड, ध्यान रहे रेगुलर डिमांड होना चाहिए, एज वेल एज रेगुलर विड्रॉल, विड्रॉल भी उसका कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने परचेस करके रख दिया और यदा कदा उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉल और कंजम्पशन एंड देयर इज अ रेगुलर रिक्यूपमेंट, साथ में ऐसा नहीं है कि आपने से पहले महीने आपने से एक्स अमाउंट लिया और फिर दो तीन महीने बिल्कुल आइडल रहे, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ा, फिर उसके बाद याद आया अरे अरे भाई चलो ले लेते हैं मटेरियल, ऐसे नहीं। रेगुलर, हर चीज रेगुलर होना चाहिए। अगर स्टॉक आइटम आप बनाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है रेगुलर डिमांड, रेगुलर कंजम्पशन एज वेल एज रेगुलर रिक्यूपमेंट भी बनना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट इसमें हम बात कर सकते हैं, देर आर, जो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि कितने स्टॉक आइटम्स हैं, ठीक है। तो देर आर अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 स्टॉक आइटम्स ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। और इसमें हमने हमारे जो स्टोर्स हैं, टोटल जो स्टोर्स हैं वो है 259 स्टोर्स में इन सभी आइटम्स को स्टॉक किया गया है, ठीक है। करीब करीब 1,80,000 अलग अलग तरह के स्टॉक आइटम्स हैं, ठीक है। और ये पूरे कंट्री में 259 स्टोर्स में इनको हमने अलग अलग जगह पर रखा हुआ है जरूरत के हिसाब से। टू गिव दिस सर्विस वी हैव टू मेंटेन स्टॉक्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स नोन एज स्टॉक आइटम्स, ठीक है। और स्टॉक आइटम का यही कॉन्सेप्शन है, ठीक है, इनको हमने स्टॉक आइटम बनाया हुआ है, अलग अलग डिपोज में जरूरत के हिसाब से रखा गया है, इनका रेगुलर विड्रॉल है, डिमांड है एज वेल एज रिक्यूपमेंट है। अब बात होती भाई स्टॉक आइटम्स तो ठीक है, लेकिन स्टॉक आइटम कितने तरह का हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस तरह का यूज है, कितना यूज है, ठीक है। तो जो पहला कैटेगरी है किसमें, स्टॉक आइटम्स में, वो है ऑर्डिनरी स्टोर, ठीक है। ए टाइप का जो स्टॉक आइटम है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी स्टोर्स। दीज आर जनरली सच आइटम्स ऑफ स्टोर्स फॉर विच देयर इज अ रेगुलर टर्नओवर, रेगुलर टर्नओवर होना चाहिए, ओके।
कॉज्ड बाय कांस्टेंट डिमांड, लगा रेगुलर, बिल्कुल सब चीज कांस्टेंट डिमांड बना रहना चाहिए, ठीक है। उसको हम किस में रखते हैं, ऑर्डिनरी स्टोर में। और मोर और लेस ऑर्डिनरी स्टोर्स जो होता है, जो अभी बात की हमने 259 स्टोर्स हैं, उन सब में ऑलमोस्ट ये आइटम सभी जगह मिल जाएंगी। जैसे सोप है, सोप ऑलमोस्ट हर जनरल स्टोर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या कहां रखते हैं, ऑर्डिनरी स्टोर में। उसके बाद दूसरा है इमरजेंसी स्टोर। ये इमरजेंसी स्टोर जो है ये थोड़ा ध्यान देने जैसा है। दीज स्टोर द स्टोर डिपोज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टॉक सर्टेन आइटम्स ऑफ स्टोर्स इवन दो दे डू नॉट हैव अ रेगुलर टर्नओवर। अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनका रेगुलर टर्नओवर तो नहीं है और रेगुलर कंजम्पशन भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उसको हर स्टोर में रखना पड़ता है। तो ऐसे स्टोर्स को हम इमरजेंसी स्टोर्स के कैटेगरी में रखते हैं। अब देखते हैं कि इमरजेंसी स्टोर रखना क्या कोई बिल्कुल जरूरी है क्या? हाँ, तो आंसर है बिल्कुल जरूरी है। दीज आर इमरजेंसी स्टोर्स एंड कंप्राइज ऑफ आइटम्स विच डू नॉट ऑर्डिनरली वियर आउट और रिक्वायर्ड रिन्यूअल। इसका ऐसा नहीं है कि आपको हर साल मतलब सपोज एक्स अमाउंट चाहिए तो हर साल एक्स अमाउंट ही आपको परचेज करना, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। और आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को आके रिन्यूअल भी कराने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट दीज आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन स्टोर टू मीट इमरजेंसी ड्यू टू ब्रेकेज और अनएंटिसिपेटेड डिटीरियरेशन। कई बार कुछ चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं। सपोज जैसे ऐसी बात करें, वुडन आइटम है, प्लाई है, प्लाईवुड है, ऑलमोस्ट कुछ भी आपको अगर कॉन्स्ट्रक्ट करना हो, बनाना हो, फ्रेम करना हो, तो प्लाई की जरूरत पड़ती है। अब प्लाई का जो डिटीरियरेशन रेट है वो कई बार कई जगहों पर ज्यादा हो सकता है, कई जगहों पर कम हो सकता है, ये डिपेंड करता है उसको हमने कहाँ यूज किया है। तो इसीलिए ऐसे आइटम को हम इमरजेंसी स्टोर में रखते हैं। These items are not readily available in the market. एक और खास बात है, emergency stores का जो concept है वो और ज्यादा viable हो जाता है कि ये जो है ना ये market में easily available नहीं होती है। आपको पता है railway में जो items use होते हैं वो generally market में नहीं मिलता है और उसका किसी के साथ fitment होना बड़ा मुश्किल है। इसका shape और size सब बिल्कुल different होता है, ठीक है। इसलिए हम ये सोचे कि भाई ठीक है मार्केट से कभी भी चाहेंगे तो परचेज कर लेंगे, ठीक है, जब जरूरत होगी, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। कारण कि ये मार्केट में शेप साइज और उस डायमेंशन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई द मार्केट एंड सच वुड रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट इन केस दे आर नॉट स्टॉक्ड। और आपको पता है प्रोक्योरमेंट में ऐसे आइटम्स को जो कि हो सकता है भाई कोई फर्म जो है नहीं बनाती हो रेगुलर बेसिस पर, तो क्या होगा, आपको अगर उसको खरीदना है तो भाई वो कहेगी भाई मुझे टाइम चाहिए महीने दो महीने, और तब तक आपकी जरूरत जो है वो आप हैंग ऑन हो गए, ठीक है। तो इसीलिए इमरजेंसी स्टोर का प्रोविजन किया गया है, इट इज वन शॉट ऑफ स्टॉक आइटम। अगला जो इसमें है वो सरप्लस स्टोर है। ये बड़ा ध्यान देने वाला है, ये आप लोगों को जब आप टैली बुक वगैरह मेंटेन करोगे तब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपका स्टोर जो है आप जो मेंटेन कर रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ सरप्लस हो रहा हो। अब सरप्लस स्टोर किसको आप बोलोगे, उसकी क्या डेफिनेशन है। स्टोर्स विच हैव नॉट बीन इशूड टू एनी यूजर फॉर पास्ट 24 मंथ्स और मोर। 24 महीने से ज्यादा अगर समय हो गया, ठीक है, आपने किसी को इश्यू नहीं किया है, ठीक है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि भाई वो स्टोर जो है वो सरप्लस होगा। आपको टैग मार्क करना पड़ेगा, एक टैग बनाना पड़ेगा और सरप्लस स्टोर लिख के उसको टैग करके रख देना पड़ेगा और आपको उसको हाईलाइट करना पड़ेगा भाई ये हमारे पास सरप्लस स्टोर है। दीज आर टू काइंड्स। अब सरप्लस स्टोर दो तरह का होता है, एक मूवेबल सरप्लस और दूसरा है डेड सरप्लस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है, थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। सरप्लस स्टोर की मेजर वे में देखा जाए दो कैटेगरी है, एक है मूवेबल सरप्लस और दूसरा है डेड सरप्लस। इनिशियली दे आर क्लासिफाइड एज मूवेबल सरप्लस। शुरू में हम जब उसको टैग लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, मूवेबल सरप्लस लिखेंगे। बट इफ नो यूज इज एंटिसिपेटेड, लेकिन हमें पता चल गया कि भाई भविष्य में इसका बिल्कुल यूज नहीं होना है। जैसे एक एग्जाम्पल दू, आप पहले हम लोग क्या यूज करते थे, जैसे हम लोग स्टीम लोको यूज करते थे, तो स्टीम लोको के
आज की डेट में अगर कहीं पर कोई भी आइटम रखा है तो नेचुरल सी बात है अब वो हमारे किसी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि डीजल, उसके बाद डीजल लोको आ गया। डीजल में भी हमने काफी अच्छे चीजें, ईएमडी लोकोज वगैरह देखा, उसके बाद आजकल तो इलेक्ट्रिक लोकोज आ गए हैं। तो नेचुरल सी बात है कि डीजल अगर किसी के पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है स्टीम लोको का तो वो ऑब्सोल्यूट है, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सरप्लस स्टोर में रखेंगे। और मजे की बात यह है सरप्लस रखने के बाद वो मूवेबल सरप्लस नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि कहीं पर वो यूज हो नहीं सकता। इवन पूरे इंडियन रेलवे में आज के डेट में अगर आपने रख दिया उसको यूज नहीं होगा, तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, डेड सरप्लस। मतलब ये कोई मतलब किसी भी जगह पर इसका पूरे पूरे इंडिया में इसका यूज नहीं है, ठीक है। तो मूवेबल सरप्लस, बट इफ नो यूज इज एंटिसिपेटेड ऑन एनी रेलवे, एनी का मतलब हम फॉरेन रेलवे की बात कर रहे हैं, हमारा अपने जोन से बाहर, ठीक है, इन कमिंग 24 मंथ, अगले 24 महीने में, इन कमिंग 24 मंथ अगर उसकी जरूरत नहीं है तो हम उसको डेड सरप्लस डिक्लेयर कर देते हैं। और अब जब कोई भी आइटम डेड सरप्लस हो गया तो उसके लिए हम एक सर्वे कमेटी नॉमिनेट करते हैं। वो सर्वे कमेटी में जनरली जे ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और वो डिसाइड करते हैं भाई अब इस चीज को डीएसेट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डीएसेट कर दिया जाए, इसको स्क्रैप कर दिया जाए, क्यों, क्योंकि अब इट इज नो लॉन्गर, अब फ्यूचर में ये यूज होने वाला ही नहीं है। तो वो लोग, अच्छा हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये जे ग्रेड ऑफिसर ही डिसाइड कर सकते हैं कि भाई, क्योंकि नेचुरल सी बात है डायरेक्टली उसके साथ मनी जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको प्रोसीजर में ला देते हैं और इसको स्क्रैप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हुई आपकी स्टोरी सरप्लस स्टोर की। खासकर जब भी स्टोर हैंडल करते हैं तो ये बड़े बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हेड हो जाता है, ठीक है। जितने भी सरप्लस स्टोर हैं आपको फाइंड आउट करना है, उनको अच्छे से लेबल लगाना है और फर्दर पुटअप करना है ऑफिसर को। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेशल स्टोर। स्पेशल सर, स्टोर, इसमें हाँ एक जी क्वेश्चन था हाँ सर। जी हाँ जी बताइए। ये सर जो डेड स्टोर आप बता रहे हैं सर, तो पहले तो सरप्लस स्टोर्स रहा कि 24 मंथ तक उसका यूज नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल आफ्टर बिल्कुल 24 मंथ के बाद ये डेड स्टोर डेड डिक्लेयर करेंगे कि उसी समय डेड अब डिक्लेयर कर देखो रखा जाएगा। मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, ठीक है, वो आपको जी टोटल 24 मंथ्स में मतलब आपको कर देना है डिस्पोज ऑफ। जबकि पहले की जो गाइडलाइंस थी ना, पहले 24 महीने जी आप सर वेट करो, आप उस पर टैग लगाओ मूवेबल सरप्लस का, ठीक है, और पूरे इंडियन जी रेलवे सर में उसको जी सर ब्रॉडकास्ट करो, लेटर लिखो सबको बराबर। और अगर जी 24 महीने सर में नहीं गया, किसी और रेलवे ने हाँ डिमांड नहीं रखा, देन वी जी फर्दर गो फॉर डेड सरप्लस। लेकिन अभी जी अभी ये जो हम एक क्या करते हैं, जैसे ही हमने मूवेबल सरप्लस की कैटेगरी में लेके आ गए तो हम विद जी इन सर 6 मंथ, विद इन 6 महीने का विद इन सिक्स पीरियड मंथ रखते हैं। 6 महीने के हाँ बाद हम एक नोट पुट अप करते हैं अपने ऑफिसर को कि अब ये 6 महीने हमने वेट कर, आजकल क्या है ऑनलाइन है, सब चीज ऑनलाइन है, ठीक है। जी पहले क्या होता था, आपको लेटर लिखना पड़ता था, तो लेटर लिखते लिखते किसी को मिला किसी को नहीं मिला तो उसमें बहुत डिले होता था, ठीक है। अब आपको 6 महीने पर ही आपको नोट पुट अप कर देना है अपने ऑफिसर को कि सर 6 महीने हमने ब्रॉडकास्ट किए, 6 महीने हो गए और 6 महीने तक कोई इसको इस मटेरियल को लेने के लिए इच्छुक नहीं है। तो ऑफिसर जो है वहां पर आपके नोट पर साइन कर देंगे और बोल देंगे अग्रिम कार्रवाई ये किया जाए इस पर। अब अग्रिम कार्रवाई क्या है, अग्रिम कार्रवाई है आप तुरंत 6 महीने के तुरंत बाद आप उसको कर दीजिए कि भाई ये डेट सरप्लस की कैटेगरी में आ रहा है। डेट सरप्लस जो है ना डिसाइड कौन करेगा, जी आपने तो टैग लगा दिया। जी जब आप इसको हाँ सर्वे में रखते हैं, ख्याल आ गया, 3 ऑफिसर की कमेटी बनती है सर्वे के लिए। सर्वे में एक तो अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं और दो अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, ठीक है। अब वो तीनों मिलके अगर उन्होंने देखा कि भाई सपोज उनके संज्ञान पर टोटल डिपेंड करते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्टीम लोको का आइटम है, तो ऑफिसर को कंफर्म पता है कि पूरे इंडियन रेलवे में ये आइटम फर्दर जाने वाला नहीं है, ठीक है, तो वो आपके डेड सरप्लस को बोल देंगे यस इट इज ओके, ठीक है, और इसको इसका इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, ठीक है। तो समझ में आया, हम जी जी कैटेगराइज कर दिया डेट सरप्लस, लेकिन डिसाइड कौन करेगा, सर्वे कमेटी, ठीक है, और वो आफ्टर 6 मंथ के बाद जी हो जाएगा, ठीक है। पहले 24 प्लस 24 था, ये यानी पूरा हाँ अब 24 प्लस 6 6 प्लस 6 प्लस
अब देखिए 24 तो आपको अब वेट नहीं करना है, 6 महीने हैं, और आपने सपोज 6 महीने के बाद आपको 1 महीने के अंदर सर्वे कमेटी ने डिसाइड कर दिया कि भाई आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दो, तो आप नेक्स्ट मंथ 7वें महीने में ही आप डीएसएट वाउचर बना के स्टोर को वापस कर दो, तो टोटल आपका जो जो आपका सरप्लस स्टोर था वो 7 महीने में ही सेटल डाउन हो गया। ख्याल आ गया? यानी 24 प्लस 7 मंथ्स, मतलब नहीं नहीं 24 मंथ तो नहीं सर नहीं शुरू में 24 मंथ वेट नहीं करना है, वेट नहीं, ओनली 6 मंथ। ये तो एक पीरियड दे दिया गया कि भाई 24 महीने, अगर ध्यान से सुनिए, 24 महीने तक मूव जी नहीं सर किया, सपोज सपोज एक एक जी एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने के एग्जांपल जी लेते हैं। आज सपोज कितनी तारीख है? 9 तारीख है, ठीक है, जी 9 जनवरी 21 है। अब 2 साल पहले, जी मतलब 9 जनवरी या जो भी है 10 जनवरी की बात करें या 8 जनवरी की बात करें, दो 8 जनवरी 2018 जी में आपने, ठीक है, लास्ट इशू कब हुआ था? 9 8 जनवरी 2018, ठीक है, ख्याल आ गया? कोई जी आइटम सर था वो 8 जनवरी 2018 को इश्यू हुआ, ठीक है। अब आज के डेट में आप, आज आपने उसको देखा, अरे ये तो 2 साल से इश्यू ही नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे उसको? आप उसको तुरंत एक टैग लगा दोगे कि ये जो है ये मूवेबल सरप्लस है, ये सरप्लस है, नहीं सर ये सरप्लस ठीक स्टोर है। अब सरप्लस स्टोर हुआ ठीक तो अब क्या करोगे कि भाई आप देखोगे कि इस आइटम का हमारे रेलवे के अलावा किसी और रेलवे में, किसी और डेपो में डिमांड है, या डिमांड इस तरह का आइटम कोई चल रहा है, तो अगर आपको लग गया कि हाँ भाई चल रहा है, ऐसा ऐसा आइटम जो है ना कहीं है चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको तुरंत लिख दोगे कि ये मूवेबल सरप्लस है। क्या लिख दोगे? अगर कहीं मूवेबल सर चल रहा है, भले ही वो तो किसी दूसरे, मतलब सपोज सपोज एक कोलकाता में एक स्टोर है, वहां पर आइटम लाइव है, ठीक है, आप तुरंत उसको डेड सरप्लस नहीं डिक्लेयर कर पाओगे, आप मूवेबल सरप्लस डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है, जी ख्याल आ गया? अब मूवेबल सरप्लस है तो क्या करोगे, आप लेटर लिखोगे, सबको लेटर लिखोगे, इसको ब्रॉडकास्ट मोड बोलते हैं लेटर का, ठीक है, सबको जी ब्रॉडकास्ट कर दोगे कि भाई मेरे पास पास इतनी क्वांटिटी एक्स आइटम की, इतनी क्वांटिटी सरप्लस में चल रही है, ठीक है। और जैसे ही सरप्लस स्टोर आपने बताया, उनको समझ में आ जाएगा कि आप इसको देना चाहते हो, नेचुरल सी बात है मूवेबल कैटेगरी में है। 6 महीने तक आप वेट करोगे, आज की टेन्योर की बात करो, आज के समय की बात करो, 6 महीने तक आप वेट करोगे, जी सर जी बराबर? 6 महीने में अगर कोई लेने नहीं आया तो आप एक नोट पुट अप करोगे, जी ऑफिसर को एक नोट पुट अप करोगे कि 6 मंथ ऑलरेडी हैज बीन पास्ड और अभी तक कोई आया नहीं है इसको, या कहीं से कोई डिमांड नहीं आई है, आजकल तो ऑनलाइन डिमांड है, ठीक है, कोई डिमांड आई जी नहीं है, तो अब इसको फर्दर जो है आपके आदेश के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो 6 महीने के बाद ही ऑफिसर बोल देंगे भाई एक काम करो, अब इसके लिए सर्वे कमेटी के लिए वो नॉमिनेट कर दो, और आप, आपने जैसे ही उन्होंने लिखा कि सर्वे कमेटी बुलाई जाए, तो आपके लिए वो डेड सरप्लस हो गया। क्या लग गया? डेड सरप्लस हो गया उसी दिन जिस दिन ऑफिसर ने नोट जी आपके नोट पर लिख दिया कि सर्वे कमेटी नियुक्त की जाए, वो क्या हो गया? जी डेड सरप्लस, बराबर? डेट सर प्लस ठीक जी अब सर डेट सरप्लस हो गया, सर्वे कमेटी आएगी देखेगी, ठीक है, हो सकता है सर्वे कमेटी 4 महीने बाद आए, हो सकता है नेक्स्ट मंथ, वेरी नेक्स्ट मंथ आ जाए, ठीक है, इट डिपेंड भाई जी सर ऑफिसर की अवेलेबिलिटी, और ठीक है हम ये मान के चल जी रहे हैं, सर मान लो नेक्स्ट मंथ ही सर्वे कमेटी आ गई और रिपोर्ट उसने आ सबमिट कर गई दिया, बराबर? अब नेक्स्ट जी मंथ अब सर्वे कमेटी क्या करेगी वो ऑफिसर के टोटल ऊपर डिपेंड करता है, उनको संज्ञान में, उनको अपने से ज्यादा जान, मतलब उनको उनका एरिया ज्यादा वास्ट है, तो दे विल डिसाइड कि नहीं अब ये बिल्कुल ऑब्सोलीट है, कहीं पर इसकी जरूरत नहीं है, तो वो बोल देंगे कि फर्दर इसको भेजें। क्या लगा? तो अब वो 24 महीने का वेटिंग पीरियड खत्म हो गया। ये जो 24 महीने का कॉन्सेप्ट है ना, ये आज के जब ये सब ऑनलाइन नहीं हुआ था तब की बात है, ठीक है, अब तो हम यूजर डेपो मॉड्यूल पर आ गए हैं, ठीक है, सब चीजें बिल्कुल सब 6 मंथ के रूल्स पर आ गई, जो 24 महीने के रूल्स थे ना सब खत्म हो गए, ये तो पढ़ाने के लिए 24 महीने बताया जाता है, ठीक है, ख्याल आ गया? ओके जो अगली कैटेगरी जी सर है वो है स्पेशल स्टोर्स, द आइटम्स ऑफ स्टोर्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क एंड अदर स्पेशल पर्पजेस, ठीक है, दैट इज अदर देन फॉर ऑपरेशंस और ऑर्डिनरी मेंटेनेंस एंड रिपेयर आर कॉल्ड स्पेशल स्टोर।
सपोज भाई आपकी डे टू डे लाइफ में आप अपने क्या करते हैं, रेलवे को रन कराने के लिए सारा मेंटेनेंस करते हैं, लोको उसके लिए चाहिए, सिग्नलिंग के सभी चीजें उसके लिए चाहिए, ठीक है। अदर देन दैट, अगर मान लीजिए आपको पीपल शेड बनाना है, सपोज कार पार्किंग बनाना है या व्हीकल पार्किंग बनाना है, तो वो तो आपका क्या होगा, उसमें क्या लगेगा, एंगल्स लगेंगे और दूसरी चीजें लगेंगी, वो आपके ट्रेन को रन करने में ज्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, सपोज हर जगह अहमदाबाद है, अब अहमदाबाद में सपोज एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अहमदाबाद में बहुत सारी ट्रक्स हैं, व्हीकल हैं, ठीक है। इनका अगर हम ऐसा सोचें कि एक सेंट्रलाइज मेंटेनेंस डेपो बनना चाहिए, मान लो पूरे अहमदाबाद में 25-30 अलग अलग यूनिट्स हैं, किसी के पास ट्रक है, किसी के पास डंपर है, किसी के पास दूसरी व्हीकल्स हैं, अब पंक्चर हो तो भी आपको बाहर जाना है या कुछ भी मेंटेन करना हो, हम क्या करते हैं कि ऐसे अगर मान लीजिए एक डेपो को जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई आप जो है आप इस सारी व्हीकल्स इस एरिया के इस मतलब डिवीजन के जितनी व्हीकल्स हैं अगर आती हैं तो आपको मेंटेन करना है सपोज, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, इसको जिम्मेदारी दे दी गई, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, उनको डे टू डे अब व्हीकल्स को मेंटेन करने के लिए उनके सपोज ऑफिसर की जो गाड़ियां हैं उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, वहां पर जो चीजें चाहिए उसका हम परचेज करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे हवा भरने की मशीन है, पंक्चर के लिए कुछ है, या सपोज और भी वॉशिंग के लिए है, तो ऐसे को हम स्पेशल स्टोर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अहमदाबाद, अब मान लो यही गांधीधाम में तो ये पॉसिबल नहीं क्योंकि वहां पर व्हीकल्स कम है, ठीक है। स्पेशल स्टोर का कैटेगराइजेशन है, ऑन डिमांड होता है और किस तरह की जरूरत है उसके हिसाब से इसको हम रखते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए, ठीक है। अपने लिए अगला इंपॉर्टेंट है, दैट इज कस्टडी स्टोर्स, ये ध्यान रखना। स्टोर्स विच हैव बीन परचेज्ड फॉर स्पेशल वर्क्स एंड चार्ज्ड टू सच वर्क्स बट लेफ्ट इन द कस्टडी ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट आर कॉल्ड कस्टडी स्टोर्स। मैं एक मोटे मोटे तौर से एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूँ, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। दीज स्टोर्स चीफली का मतलब मेनली consist of items obtained for the mechanical department for construction of rolling stocks sanctioned under a special or under the capital or revenue program. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, या सपोज हाँ इंजीनियरिंग वर्कशॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर एक वर्क ऑर्डर आया, सपोज गर्डर बनाने का आया वर्क ऑर्डर। गर्डर बनाने में क्या क्या चीज चाहिए, प्लेट चाहिए, एंगल चाहिए, बीम चाहिए, ये सब जो है ये चाहिए। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई गर्डर बनाने का ऑर्डर आ गया और आपने सैंक्शन करवा लिया कि भाई ये मुझे अच्छा, ये लंबे समय तक चलने वाले, एक साल बाद, एक साल दो साल लग जाते हैं गर्डर्स को बनने में। आज ही आपने आपको परचेज कर लिया, सपोज इसके लिए आपने परचेज पीओ प्लेस कर लिया, अब वो मटेरियल आ जाएगा, लेकिन आप एज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होने के नाते आपको अपना जो वर्क ऑर्डर है ना वो तो 3 महीने बाद शुरू करने वाले हो, क्योंकि आप अभी दूसरे वर्क ऑर्डर पर काम कर रहे हो। तो क्या करोगे आप, वो मटेरियल आ गया तो उसका क्या करोगे, जो कि आप 3 महीने बाद स्टार्ट करने वाले हो, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टोर की कस्टडी में रख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये सारा परचेज जो हुआ है ना वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कैपिटल से या रेवेन्यू प्रोग्राम से हुआ है, ठीक है। लेकिन क्यों, क्योंकि हम ये चीज 3 महीने बाद यूज करने वाले हैं, 6 महीने बाद यूज करने वाले हैं, पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं इसको सेफ कस्टडी स्टोर डिपार्टमेंट के कस्टडी में रख देते हैं, भाई जब मुझे जरूरत होगा तो मैं इसको विड्रॉ करूंगा, ठीक है, P8 और दूसरे जो, ठीक है। अच्छा, स्टोर वाला क्या करेगा, उसका ना प्रॉपर न्यूमेरिकल लेजर बनाएगा कि भाई इस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट इतना मटेरियल मुझे इन्होंने दिया, उसका प्रॉपर बिन कार्ड वो बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज है, बिन कार्ड उन्होंने बना लिया, वो इतना सारा बल्क मटेरियल आया था ना, वो ऐसा नहीं है कि 3 महीने के जस्ट बाद सब मटेरियल ले लेंगे वो। अच्छा, मान लो 3 महीने बाद शुरू हुआ और 6 महीने का ड्यूरेशन लगा वो उस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में, तो पहले दिन कुछ क्वांटिटी लेंगे, 10 दिन बाद दूसरी कुछ क्वांटिटी लेंगे, एक साथ वो नहीं ले पाएंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप
स्टोर वाले क्या करेंगे, उसको अपने बिन कार्ड में उतना उतना डिड्यूस करके चले जाएंगे। ये होता है कस्टडी स्टोर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, कस्टडी स्टोर में मेन चीज दो तीन चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं। एक तो परचेज हुआ है किसी पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन वो वर्क ऑर्डर ऐसा तो है नहीं कि तुरंत शुरू होने वाला है और सारा का सारा काम, सारा का सारा मटेरियल एक ही दिन में कंज्यूम होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर डिपार्टमेंट, एक दूसरे डिपार्टमेंट के कस्टडी में रख देते हैं, ठीक है। और वहां प्रॉपरली वो रखा होता है उनकी कस्टडी में, और उसके बाद आप सिस्टमेटिक विड्रॉल करते हो यूजिंग योर क्रिएट और जो भी चीजें हैं। लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। नेचुरली ऐसे उसमें हम क्या करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि जो सैंक्टिटी है कि भाई कहीं पर कोई पिलफरेज नहीं है, कहीं पर ऐसा नहीं हो कि एक वर्क ऑर्डर का जो मटेरियल था वो दूसरे में यूज कर लिया, दूसरे का तीसरे में यूज कर लिया, ऐसे इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टोर में जमा करा देते हैं। समझ में आ गया, डन सर। अगला वाला आपके लिए है सिग्नलिंग वगैरह से रिलेटेड है, इंप्रेस्ड स्टोर, ठीक है। आपके आपको ख्याल होगा कि बहुत सारे जैसे चीफ सिग्नल इंस्पेक्टर्स हैं, उनके अंडर में, उनके कस्टडी में भी कई स्टोर्स रखे जाते हैं कई कई जगहों पर, है आइडिया है, ठीक है। उस स्टोर को हम नाम देते हैं इंप्रेस्ड स्टोर, उसको हम नाम देते हैं इंप्रेस्ड स्टोर। ये जो स्टोर डिपार्टमेंट है ना, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आप क्या करते हैं, आप जरूर जाते हैं स्टोर डिपार्टमेंट के पास, ठीक है, वहां से 3 महीने का मटेरियल आप उठा लेते हैं और लाके आप अपने इंप्रेस्ड स्टोर में रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, कि आपको मालूम है कि इस मटेरियल का मुझे डे टू डे लाइफ में कोई चीज मेंटेन करने के लिए, कोई चीज एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप क्या करते हैं, 3 महीने का स्टॉक जो जनरल स्टोर या स्टोर डिपार्टमेंट से लिया, वो लाके आपने अपने लोकल स्टोर में रख लिया, और वो लोकल स्टोर आपका इंप्रेस्ड स्टोर कहलाता है, ठीक है। अब अगले 3 वो किसकी कस्टडी में होगा, जो भी सीनियर सुपरवाइजर है उनकी कस्टडी में वो स्टोर होगा, बराबर, ठीक है। और वहां पर वो पूरी टैले बुक मेंटेन करेंगे, जरूरत पड़ा तो बिन कार्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है, और किस जगह पर कहाँ कहाँ मटेरियल का विड्रॉल हुआ है, किस किस को दिया है, ठीक है, वो सारी चीजें मेंटेन होंगी, तो हम बोलते हैं इंप्रेस्ड स्टोर। एक तरफ रीडिंग लेते हैं, दीज आइटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ सर्विसेज एंड मेंटेनेंस ऑफ द एक्टिविटी। इंप्रेस्ड स्टोर्स मे बी ईदर चार्ज्ड ऑफ स्टोर्स और मे बी केप्ट इन कैपिटल अकाउंट हेड। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम कई बार ना ये जो वर्ड आता है कैपिटल अकाउंट है या रेवेन्यू है, ये सब एक्चुअली वर्ड्स जो हैं ये डिराइव्ड हैं अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से। ये पता है बहुत सारी चीज़ों को सस्पेंस में रखते हैं, ठीक है। जैसे जनरल स्टोर या स्टोर डिपार्टमेंट के पास जो मटीरियल होता है वो स्टोर सस्पेंस में होता है, और जैसे ही आप उसको वहां से विड्रॉ करके आप अपने इंप्रेस्ड स्टोर में लाते हो, वो क्या हो जाता है, चार्ज ऑफ हो जाता है, ठीक है, ख्याल आ गया। मतलब उसके अगेंस्ट जो है वो डेबिट क्रेडिट कंप्लीट हो गया, ठीक है, लॉजिक समझ में आया। तो यहां पर कहीं ना कहीं अकाउंट भी रोल प्ले करेगा, ठीक है। ऐसे स्टोर को तो समझ में आ गया। तो आगे है कि द सीनियर सुपरवाइजर इन चार्ज ऑफ द यूनिट लाइक चीफ सिग्नल इंस्पेक्टर आर अलाउड टू मेंटेन स्टॉक्स ऑफ नॉमिनेटेड आइटम्स ऑफ स्टोर फॉर दिस पर्पस, दीज स्टोर्स आर कॉल्ड इंप्रेस्ड स्टोर। अब ये समझ लीजिए कि आप जो आपके यहाँ जो डिपार्टमेंट वाइज कहीं पर स्टोर बना है तो वो आपका इंप्रेस्ड स्टोर है, ठीक है। और 3-3 महीने के लिए आप वहां पर 3 महीने के लिए आप वहां स्टॉक चीजों को करके रख सकते हैं, 3 महीने स्टोर से, स्टोर डिपार्टमेंट से आप मटेरियल को ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ टाइप ऑफ स्टॉक आइटम। कुछ चीजें और हैं जल्दी से देख लेते हैं कि सर, तो हाँ जी
सर किसी सामान को 3 महीने के अंदर लाने की जरूरत हो तो क्या करेंगे? एक बार फिर थोड़ी आवाज थोड़ी सी लाउड कर दीजिए, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलिए। सर किसी सामान को 3 महीने के अंदर लाने की आवश्यकता हो उस परिस्थिति अच्छा, में क्या करेंगे? हाँ अब मैं समझ गया। देखिए सपोज सपोज आपने कोई आइटम लिया और वो यूज किया, ठीक है, अब वो यूज किया और खत्म हो गया, 3 महीने से पहले लाना हो, तब की बात आप कर रहे हैं? जी सर उसकी बात कर रहे हैं, या कोई सामान जो हम इशू नहीं कराए हैं दोबारा उसको लाना चाहते हैं? हाँ अब देखिए, देखो अगर लीगल वे में बात करें तो इम्प्रेस्ड स्टोर जब आप लेने जाते हो जनरल स्टोर में, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 3 मंथ्स की होती है। तो जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है, ये कहता है कि अगर आपने स्टिपुलेटेड जो समय आपको निर्धारित पीरियड दिया गया था, ठीक है, 3 महीने का, अगर आपने उसमें उसको यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको उन आइटम की उस समय आपको जरूरत नहीं थी, और अब आप कहते हैं कि भाई मुझे अगले 3 महीने में पिछला वाला दे दो, बराबर, तो कहीं ना कहीं ये स्टोर डिपार्टमेंट या अकाउंट्स की जिम्मेदारी है कि आपको एक बार चेकलिस्ट करें, क्योंकि आपने एक्चुअली ये इम्प्रेस स्टोर किस लिए होता है, डे टू डे एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। अब डे टू डे का मतलब हुआ वो 3 महीने जो आपने पिछले 3 महीने डे टू डे एक्टिविटी नहीं किया होगा, ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अब आप वो मटेरियल आपका लीगली फोरफिट हो जाएगा, वो आप उसके उसको उस पीरियड के मटेरियल को मांगने के हकदार नहीं होंगे। लेकिन हाँ ये तो चलता है, ठीक है, बोल देते हैं, कुछ लिख देते हैं, ऑफिसर बात कर लेते हैं तो दे देते हैं, लेकिन अगर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और अगर स्टोर डिपार्टमेंट के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो आप उन 3 महीनों जो कि डे टू डे एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको मिल रहा था, अगर नहीं विड्रॉ किया तो नेक्स्ट 3 मंथ में वो नहीं मिलेगा, नेक्स्ट 3 मंथ में आपको शेड्यूल्ड वाला ही मिलेगा, आप पिछला चाहो मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा ऑफिशियली। हाँ और अनऑफिशियली तो आप देख लेते हैं। चला गया सर, सर मेरे कहने का है कि जैसे जो सामान हमने लाया वो 3 महीने के अंदर खर्च हो गया, खत्म हो गया। हाँ तो ये हाँ, अब मैं समझ गया। देखिए देखिए फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि जनरली क्या होता है, हर मटेरियल की प्लानिंग होती है कि भाई आपको अगले साल, ठीक है, पूरा मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको 1000 यूनिट यूज करना है, इतना, चलो और अच्छा एग्जाम्पल 1200 यूनिट आप मान लो किसी चीज का यूज करना है पूरे साल में, ठीक है। अब आप पहले 3 महीने में आप लेके आए कितना, 300 यूनिट, और 300 के 300 खत्म हो गए एक ही महीने में, बराबर। अब क्या करोगे भाई, आप कहोगे भाई मटेरियल तो खत्म हो गया और अभी 2 महीने बचे हुए हैं, मटेरियल कहाँ से लाया जाए? तो उसमें क्या है, उसमें ऑफिसर अगर साइन करने को तैयार है और ऑफिसर अगर स्टोर डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात करने को तैयार है तो स्पेशल लेटर की को लेकर आप मतलब जो अगले 3 महीने का स्टॉक है वो आप मंगवा सकते हो। ख्याल आ गया? अब आप कहोगे कि फिर अगले में भी तो ये प्रॉब्लम आएगी, फिर उसका अगर एडजस्ट कर लिया तो अगले में प्रॉब्लम आएगी, साल के हो सकता है पूरा मटेरियल जो 1200 था वो 9 महीने में खर्च हो जाए तो अगला 3 महीना तो वेस्ट हो जाएगा। तब क्या होता है, तब आप उसको अगले 3 महीने के लिए नॉन स्टॉक आइटम के लिए आप उसको ऐसे तो नहीं कर पाओगे नॉन स्टॉक आइटम के लिए, आप उसको क्या बोलते हैं, उसको शॉर्टफॉल आप स्टोर को अलग से लेटर लिखते हैं कि अगर कुछ अलग से उसका शॉर्टफॉल बनता है वो हेडक्वार्टर जाता है, वो परचेज फिर से होता है। चला गया? और अगर आपने शॉर्टफॉल रिक्यूपमेंट बनवा लिया तो अब आपकी जो आइटम है वो 1200 की जगह मान लो 1600 हो गई, तो अगले साल कमिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको 1600 की एसी के हिसाब से मटेरियल रखा जाएगा। ख्याल आ गया? जी जी सर। तो इसी हिसाब से एसी जब कम पड़ा तभी तो आपने शॉर्टफॉल रिक्यूपमेंट बनवाया, शॉर्टफॉल रिक्यूपमेंट बनवाया, मटेरियल आया, तो अब आपका टोटल कैलकुलेशन कितना हो गया। अच्छा ध्यान रखना ये सब सारी चीजें ना कहीं अकाउंट बीच में जरूर आएगा, जब आप शॉर्टफॉल बनवाओगे तो वो बहुत सारी क्वेरी करेंगे, कैसे खत्म हो गया, आपने तो पिछले साल इतना ही एंटीसिपेट किया था
अब तो दे नहीं सकते, तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है कि हमारे यहाँ जो डे टू डे एक्टिविटी है बढ़ गई है, या जो भी है उसके हिसाब से फंड अवेलेबल होगा और फिर से शॉर्टफॉल रिक्रूटमेंट होगा। अब आप मान लो मिल गया, अब आप कितना हो गया, 1600 आइटम हो गया, 1600 नग हो गया आप 1600। अब नेक्स्ट ईयर जो तो आपका एसी बनेगा ना, तो 1600 के हिसाब से बनेगा इंस्टेड ऑफ 1200, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ख्याल आ गया। तो इस तरह से इसका एसी इंक्रीज डिक्रीज का प्रोसेस है। तो मान लीजिए कोई आइटम है, आपने पहले महीने तो ले लिया और उसके बाद अगले 9 महीने तो ले नहीं गए, तो आपकी एसी रिड्यूस हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। जी सर, हाँ जी, यस सर, अब कुछ चीजें हैं। आइटम को हम रेलवे में ना, आइटम को डिस्क्राइब करने का बड़ा अलग तरीका होता है। आइटम का नाम कैसे लिखते हैं, कोई पर्टिकुलर मटेरियल है ना, उसका नॉमेनक्लेचर बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक जरा ग्लिम्स लेते हैं। द बेसिक कमोडिटी मेथड हैज बीन एडॉप्टेड इन डिस्क्राइबिंग एन आइटम। एक आइटम को डिस्क्राइब करने के लिए एक बेसिक कमोडिटी मेथड है, उसको फॉलो करते हैं। क्या है इसमें, इन दिस सिस्टम अ बेसिक कमोडिटी प्रोसीड्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, ठीक है। क्या करते हैं, हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है ऑर्डिनरी टॉयलेट सोप, जो हम घरों में सोप यूज करते हैं नहाने के लिए, बाथिंग के लिए, वो टॉयलेट सोप ही होता है, ठीक है। उसका नाम है ऑर्डिनरी टॉयलेट सोप। अब इसको, लेकिन रेलवे जब इसको लिखेगी तो कैसे लिखेगी, वुड अंडर द मेथड बी डिस्क्राइब्ड एज, कैसे लिखेगी, सोप टॉयलेट ऑर्डिनरी। तो नाम रेलवे की भाषा में इसका नाम होगा सोप टॉयलेट ऑर्डिनरी, जबकि मार्केट में आप लेने जाओगे तो क्या बोलोगे, ऑर्डिनरी टॉयलेट सोप दे दो। लेकिन रेलवे ऐसे नहीं डिमांड रखती, रेलवे कैसे डिमांड रखेगी, सोप टॉयलेट ऑर्डिनरी। थोड़ा डिफरेंट लगा, यस सर, अलग यस, हाँ, तो हर हर जी जगह, सर, हाँ, इसी तरह से, ठीक है। अब जैसे रेलवे में हम लोग ग्लास यूज करते हैं, तो उसका नाम होता है जैसे टम्बलर टाइप का है, टम्बलर ग्लास, ठीक है, क्या बोलते हैं, टम्बलर ग्लास। लेकिन इसका जो रेलवे के नॉमनक्लेचर में नाम होता है ग्लास टम्बलर, टम्बलर बाद में आएगा, ठीक है। तो ये नॉमनक्लेचर कैसे होता है, इसके लिए जरा जल्दी से देख लेते हैं। इन शॉर्ट द डिस्क्रिप्शन शुड बी अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द प्रिसिडेंस, कैसे, पहला क्या होगा, मेंशन द बेसिक कमोडिटी, बेसिक कमोडिटी हमारा क्या था, सोप। दूसरा है जनरल वेरियंस इन काइंड, यूज, साइज और शेप। दूसरी जो उसकी एडजेक्टिव्स है ना, ठीक है, हाँ, यूज होना, आप सोप जो तरह का होगा, एक डिटर्जेंट, एक टॉयलेट, हमने जो दूसरा एडजेक्टिव था टॉयलेट लगा दिया, ठीक है। थर्ड चीज पर्टिकुलर काइंड और साइज, वो क्या है, पर्टिकुलर साइज क्या है, ऑर्डिनरी, देन हमने क्या लिख दिया, ऑर्डिनरी, ठीक है। अब अगर और भी कुछ उसकी कुछ ड्रॉइंग होती, स्पेसिफिकेशन होता, तो उसको भी आगे जोड़ देते। एक नीचे एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा है, ब्रा आइटम का जनरल डिस्क्रिप्शन है ब्रास प्लेटेड स्पिरिट लेवल। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल चेक करने के लिए, किसी भी फ्लोर का लेवल कैसा है, किधर स्लोप है, किधर ग्रेडियंट है, उसको चेक करने के लिए ये आइटम यूज होता है, ब्रास प्लेटेड स्पिरिट लेवल, ठीक है। रेलवे में इसका नाम होगा लेवल, क्योंकि असली वो है लेवल, उसका नाम है लेवल, फिर स्पिरिट, फिर ब्रास प्लेटेड, आ गया समझ में। तो इस तरह से रेलवे में नॉमनक्लेचर यूज होता है। डन, आई थिंक ये थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। यस डन, आगे चलें, सर, ओके, प्लीज। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कोई चीज डिमांड करते हो तो यूनिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है रेलवे में। अच्छा, रेलवे ने अपने अलग यूनिट का कोड डेवलप कर रखा है, ठीक है। तो आपको पता है 01 अगर आप लिखते हो यूनिट कोड तो क्या होता है, नंबर, 02 लिखते हो तो पेयर, 03 लिखते हो तो सेट, ठीक है। 13 किलोग्राम का है, 14 क्विंटल का है, 15 मीट्रिक टन का है, 22 मीटर का है, और बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं। तो मोस्टली क्या होता है, पर्टिकुलर स्टोर को दो तीन चार यूनिट्स फ्रीक्वेंटली यूज करने होते हैं, और वो यूनिट आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखेंगे, ठीक है।
ठीक है, और शायद अगर यूज किया होगा तो ये सब आपको पता भी होगा होपफुली। चलें आगे चलें, अगला, अगर आपको आपने स्टोर डिपार्टमेंट से डील किया हो तो आपको पीएल नंबर के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। पीएल नंबर पर स्टोर डिपार्टमेंट बहुत जोर देता है, ठीक है। आजकल तो यूनिफाइड पीएल नंबर्स हैं, यूनिफाइड पीएल नंबर्स का मतलब एक ही पीएल नंबर ऑल ओवर द कंट्री, जो 259 स्टोर्स हैं सभी में वो पीएल नंबर चलेगा, मतलब जरा से भी एम्बिग्यूटी नहीं होगी कि भाई अरे ये तो कोई पर्टिकुलर चीज डिफरेंट आ गई, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड पीएल नंबर। पीएल नंबर, पीएल का जो फुल फॉर्म है प्राइस लेजर, सॉरी प्राइस लिस्ट नंबर, कई बार इसको प्राइस लेजर नंबर, प्राइस लेजर नंबर भी बोलते हैं, लेकिन सही नाम है प्राइस लिस्ट नंबर। ऑल स्टॉक आइटम आर हैविंग पीएल नंबर्स, ठीक है, जितने भी स्टॉक आइटम्स हैं, ठीक है, उनका पीएल नंबर जरूर होगा, ठीक है। बट ऑल पीएल नंबर्स आर नॉट नेसेसरी स्टॉक्ड आइटम। अच्छा, पीएल नंबर तो सभी आइटम का दे दिया गया, ठीक है, और ये हमारा रेलवे बोर्ड इस पर लगातार काम करता रहता है, नए नए पीएल नंबर्स जनरेट करता रहता है अगेंस्ट एनी गिवन आइटम। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आइटम्स सब स्टॉक्ड हों, कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉन स्टॉक होंगे। जैसे सपोज किसी जमाने में जो स्टीम लोको हुआ करता था उसके भी आइटम्स का पीएल नंबर था, तो नेचुरल सी बात है वो आज हमारे स्टॉक आइटम नहीं है, लेकिन उनके अगेंस्ट पीएल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या और भी नए मटेरियल्स रेलवे इंट्रोड्यूस करती जा रही है, ठीक है, उनका भी पीएल नंबर लगातार आता जा रहा है, ठीक है। ये बात अलग है कि उसको स्टॉक आइटम कब बनाया जाएगा, ये दूर की बात है, हो सकता है, ठीक है, इन फ्यूचर उसको स्टॉक आइटम बनाया जाए, अभी नहीं है वो स्टॉक आइटम, लेकिन पीएल नंबर उसको डिजिग्नेट कर दिया जाएगा। यूनिफाइड लिस्ट्स आर कॉमन टू ऑल रेलवेज एंड फैसिलिटेट ईजी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द रेलवेज। अगर आपने पीएल नंबर बोल दिया ना, इसका मतलब है दैट आइटम गारंटी हो गया कि उसी शेप साइज ड्राइंग सब चीज फिक्स हो गया। ऐसा नहीं है कि सपोज बहुत सारे, अच्छा एक मान लो केबल है या एक जैसे आप लोग टेलीकॉम वगैरह में यूज जैक है, पर्टिकुलर जैक है। अब जैक बहुत तरह का हो सकता है, उसकी जो मतलब प्लस माइनस में डिफरेंस और साइज शेप। अब बैटरी चार्ज, मोबाइल का बैटरी चार्जर आप देखिए कितने तरह के बैटरी चार्जर्स हैं, सभी बैटरी चार्जर्स आपके लिए सूटेबल नहीं है। बट अगर हर बैटरी चार्जर का एक पीएल नंबर डेजिग्नेट हो जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कंफर्म हो गया कि भाई ये पीएल नंबर बोलो और आपको सही बैटरी चार्जर मिल जाए, ठीक है, ओके। तो इसीलिए चीजों को और आसान बनाने के लिए जल्दी से आई मीन अप्रोचेबल हो जाए टू ऑल विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, हम रेलवे जो है वो पीएल नंबर डेजिग्नेट। पीएल नंबर 8 डिजिट का होता है, ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, 8 डिजिट का होता है, ठीक है। पहला जो है, पहले दो डिजिट्स होते हैं मेन ग्रुप के, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, बी है दो, अगेन कितना होता है वो सब ग्रुप को बताता है। अगले तीन जो डिजिट होते हैं वो सीरियल नंबर्स को बताते हैं, और जो लास्ट होता है डी, वो चेक डिजिट होता है, ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो चेक डिजिट होता है ना, ये बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, कई बार पीएल नंबर लोग गलत लिखते हैं, तो चेक डिजिट से वो आप कैच कर सकते हैं कि ये पीएल नंबर, कोई पीएल नंबर सही है या गलत है, ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे, अभी बस इतना ही आप इसको समझ लो। नेक्स्ट है, कुछ पीएल नंबर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, मेन ग्रुप्स हैं, जैसे 00 to 09 इस टीम लोको स्पेयर पार्ट्स का ग्रुप है, 10 to 19 है डीजल लोको स्पेयर है, ठीक है, और आपके काम का अगर है तो 50 देखना, इसमें 50 to 59 सिग्नल एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन के लिए 50 to 59, ठीक है, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेवरदलेस जनरल स्टोर के लिए 70 to 79 यूज किया जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखना। और एंड द लास्ट इज 98 ग्रुप स्क्रैप में हमेशा 98 ग्रुप ही यूज होता है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर से मेन ग्रुप को का आइडिया आपको आ गया, जो कि दो डिजिट। ये तो अभी तक जो भी हमने डील किया दैट वाज रिलेटेड टू स्टॉक आइटम्स, ठीक है, अब बात करेंगे नॉन स्टॉक आइटम्स का। नॉन स्टॉक आइटम्स क्या होता है, कैसे इसको रिक्यूप करते हैं, क्या चीज प्रोसीजर फॉलो की जाती है, ठीक है, तैयार हैं आप सब नॉन स्टॉक आइटम समझने के लिए, सांस वगैरह ले लेना भाई।
सर प्राइस लिस्ट का मतलब ये हो गया कि स्पेसिफिक कोड हो गया किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या एग्जैक्टली बिल्कुल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना कि मोबाइल के चार्जर्स होते हैं, चार्जर, अब एक चार्जर है जो नोकिया में फिट होता है, अच्छा नोकिया में भी तीन चार तरह के चार्जर आते हैं पता है, और सैमसंग में भी तीन चार तरह के आएंगे ठीक है। तो अगर हम जाके बोले कि भाई मुझे सैमसंग का चार्जर दे दो, तो पूछे कौन सा, उसका क्वेश्चन कौन सा, अब बोलोगे कि उसका पिन छोटा है, थोड़ा टेढ़ा है, वैसा है, लेकिन इससे अच्छा उसको एक नॉमेनक्लेचर दे देंगे भाई, वो पीएल नंबर आप जाके बता दो फटाफट दे देगा बराबर, और वो बिल्कुल आपके गारंटीड आपके मोबाइल के लिए फिट होगा जी सर। हाँ जी, तो शुरू करते हैं नॉन स्टॉक आइटम्स। हाँ, नॉन स्टॉक आइटम्स आर रिक्वायर्ड ओकेजनली, कभी कभार, एंड नॉट ऑन रेगुलर बेसिस ठीक है। द आइटम्स विच आर नॉट फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड और हैविंग वन टाइम रिक्वायरमेंट ठीक है, आप माइंड में आपके आ गया होगा बहुत सारी चीजें हैं जो वन टाइम रिक्वायरमेंट होती हैं, फिर बार बार होती नहीं है ठीक है। नो स्टॉक्स आर मेंटेन्ड, ऐसे के लिए स्टॉक मेंटेन करना और उसके लिए आप पूरा सिस्टम फॉलो करो वो जरूरी नहीं है ठीक है। दीज आइटम्स आर परचेज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू मीट स्पेसिफिक डिमांड आर कॉल्ड नॉन स्टॉक आइटम्स, ऐसे को हम क्या करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आइटम, कभी कभार ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है और उनको हम क्या करते हैं परचेज करते हैं ठीक है, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं नॉन स्टॉक आइटम्स। तो समझ में आ गया, जो रेगुलर यूज में नहीं है कभी कभार करना है ठीक है ओके। जैसे मान लो पीसी है, कंप्यूटर्स हैं, तो कंप्यूटर स्टॉक आइटम बनाना कोई बहुत समझदारी नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई आज आपको 10 पीसी की जरूरत, 10 कंप्यूटर्स की जरूरत है, किसी यूनिट को 15 कंप्यूटर्स की जरूरत है। अगर मान लो हम एक और खास बात है कि कंप्यूटर्स का स्पेसिफिक यूज भी डिपेंड करता है ठीक है, अलग अलग इसका यूज होगा ठीक है। कहीं पर आप इसको केवल सिंपल डेटा एंट्री के लिए यूज करोगे, कहीं पर किसी और स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करोगे ठीक है। कोई स्टॉक आइटम बनाना कोई समझदारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको हम नॉन स्टॉक आइटम मान के परचेज करते हैं एज एन व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब ठीक है बराबर। चलो बढ़िया, ठीक है तो बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग रिक्विजिशन ऑफ नॉन स्टॉक आइटम्स, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अगर आपको ऑफिसर तो आपको फटाफट बोल देंगे भाई एक काम करो इसको नॉन स्टॉक आइटम की कैटेगरी में खरीद लो, आप क्या करोगे भाई कुछ इंस्ट्रक्शंस तो होने चाहिए कि भाई कैसे बनाना है, किस फॉर्म में बनाना है ठीक है। तो आप सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेते हैं। नॉन स्टॉक आइटम्स आर जनरली दोज आइटम्स, तो डेफिनेशन तो अपने को पता चल गया है, दोज आइटम्स विच डू नॉट हैव रेगुलर टर्नओवर ठीक है। प्लानिंग ऑफ सच आइटम्स बाय स्टोर डिपार्टमेंट, ध्यान रहे यहाँ पर स्टोर डिपार्टमेंट आ गया ठीक है, इज डिफिकल्ट एंड देयरफॉर यूजर डिपार्टमेंट्स प्लान फॉर दीज आइटम्स ऑन बेसिस ऑफ वेरियस एस्टिमेट्स फॉर वर्क एंड देयर प्रोग्राम्स फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ठीक है। तो यूजर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से उसको अपनी जरूरत के हिसाब से उसको प्लान करते हैं और फिर उसको एक अलग नॉन स्टॉक आइटम परचेज करने का प्रोविजन करते हैं। कैसे प्रोविजन करना है वो बताता हूं। अ परचेज ऑलवेज टेक सम टाइम, एडवांस प्लानिंग इवन फॉर नॉन स्टॉक आइटम्स इज कॉल्ड फॉर, भाई आपको एडवांस प्लानिंग करना है, आपको पता है कि कंप्यूटर्स खराब है, अगले 3 महीने के बाद कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप 3 महीने पहले से आज से ही प्लानिंग शुरू कर दो उसके लिए ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या करोगे आप, आफ्टर वर्किंग आउट द रिक्वायरमेंट, हमें पता चल गया कि भाई 10 पीसी की जरूरत है, भाई एक्स एक 2 पीसी इनको चाहिए, 3 पीसी उनको चाहिए, इस तरह से प्लान हो गया, तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अराइज होगी कि एट अ टाइम 10 चाहिए ठीक है। क्या करोगे आफ्टर वर्किंग ऑन आउट द रिक्वायरमेंट्स, यूजर डिपार्टमेंट्स सबमिट दोज रिक्वायरमेंट्स टू देयर फीडिंग स्टोर्स डिपो,
ऑन रिक्विजिशन फॉर्म नंबर S1302, ये ध्यान रखना फॉर्म नंबर, ये कई बार पूछा जाता है कौन से फॉर्म में आप नॉन स्टॉक आइटम को का रिक्विजिशन प्लेस करोगे, बराबर। तो फॉर्म नंबर है S1302, ये हो सकता है आपके क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन में हो, ध्यान रखना। तो नॉन स्टॉक आइटम आपको डे टू डे लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस रिक्विजिशन शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन आइटम ऑन वन फॉर्म। अच्छा ध्यान रहे, ये जो S1302 फॉर्म है, ठीक है, ये दो फॉइल में बनेगा, दो कॉपी में बनेगा, कार्बन लगा के बनेगा, ठीक है। और एक आइटम एक ही फॉर्म में, ऐसा नहीं होगा कि एक फॉर्म में आप दो तीन चार आइटम मेंशन कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सब थोड़ा केयरफुल रखे बनाना होता है। वन कॉपी विल बी रिटेन्ड बाय द इंडेंटर, एक कॉपी आपको खुद रखना है, ठीक है, और उसको ऑफिस कॉपी का नाम दोगे, एंड दूसरी कॉपी विल बी सबमिटेड टू द फीडिंग स्टोर डिपो, ठीक है, कहाँ भेज दोगे, जो भी आपका नियरेस्ट स्टोर डिपो है उनको आप भेज दोगे, ठीक है, जो भी नॉमिनेटेड डिजिग्नेटेड डिपोज है भेज दोगे, ठीक है, टू द ऑफिस ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन द रिक्वायरमेंट। मजे की बात यह है, जब हम इसको इसका एक बजट बनाते हैं, भाई ये आइटम सपोज 10 पीसी खरीदना है, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है कि 4 लाख के आसपास का या 3 लाख के आसपास का ये बजट होगा। अब 3 लाख रुपए रेलवे से, रेलवे को देना है किसी उसको किसी मद में, क्या होगा इसके लिए, इस 3 लाख रुपए के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, कौन ऑफिसर कॉम्पिटेंट है, जनरली जे ग्रेड से शुरू होता है, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो लिखते हैं डिपो थ्रू द ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट सेंक्शन होना चाहिए, वो कौन सेंक्शन करेगा देखते, ठीक है। अब देखो ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू सेंक्शन इंटेंट फॉर नॉन स्टॉक आइटम्स कौन कौन है, एज पर प्रेजेंट डेलीगेशंस रिक्वायरमेंट अप टू 2000 रुपी कैन बी साइंड बाय असिस्टेंट ऑफिसर एंड सीनियर स्केल ऑफिसर। आपके जो असिस्टेंट ऑफिसर हैं, ठीक है, समझ में आ गया, और दूसरे सीनियर स्केल ऑफिसर को पावर कहां तक है, 2000 रुपए तक, ठीक है, 2000 रुपए तक का नॉन स्टॉप की खरीद। अभी कुछ नया जो एसओपी आया है, शेड्यूल ऑफ पावर आया, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, बट मोर और लेस थिंग्स आर सेम, जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। तो जूनियर स्केल ऑफिसर को, असिस्टेंट ऑफिसर को और सीनियर स्केल ऑफिसर, हाँ जी ठीक है, 2000 रुपए तक का, हाँ जी बताइए। असिस्टेंट ऑफिसर्स मतलब क्लास टू ऑफिसर्स हो जाएगा सर, इंडियन क्लास टू नहीं, क्लास टू और क्लास जो डायरेक्ट आते हैं ना, क्लास वन ही होते हैं, लेकिन इनकी जो पहली पोस्टिंग होती है आपका, आपके नहीं नहीं वो तो सही है सर, प्रमोट ही होकर जो जाते हैं जैसे वो क्लास टू होते हैं। हाँ 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 वो क्लास टू होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ओके। ये लोग असिस्टेंट में आ जाएंगे, मतलब वही जो एएसटी और एएन हम लोग जो बोलते हैं, एओएम, ये क्लास टू, बिल्कुल। तो ये अब देखो उसमें कैसे है कि जो एएसटी की पोस्ट है ना, उसमें 20% जो ऑफिसर है वो एलडीसी के थ्रू जाते हैं, बाकी अभी 70% 80% ऑफिसर है ना, उनका डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, तो वहां से आते हैं, लेकिन पहली पोस्टिंग जो उनकी होती है ना वो एएसटी के पोस्ट पर होती है, ठीक है। अब उनको इसलिए असिस्टेंट ऑफिसर बोला गया, इन्होंने एग्जैक्ट क्लास टू और क्लास वन नहीं डिफाइन किया, दे आर जो पहली पोस्टिंग है ये समझ लो वो असिस्टेंट ऑफिसर की है, ठीक है, एएसटी है। और सीनियर स्केल ऑफिसर कौन है आपके, डीएसटी, ठीक है, और सीनियर डीएसटी जो होंगे, सीनियर डीएसटी वो जे ग्रेड हो जाएंगे, बराबर जी सर। हाँ जी सर, पर अभी लिमिट बढ़ा दी है ना, 10,000 अभी बढ़ गया है, बिल्कुल नया जो एसओपी है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो इसीलिए 10,000 हो गया है, 10,000 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स वैल्यूइंग बिटवीन 2000 टू 1 लाख आर सैंक्शन बाय जे ग्रेड, ठीक है। उसके ऊपर है डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, जो एडीआरएम साहब हैं उनकी उनकी पावर है, ठीक है, चाहे एडीआरएम साहब हो या एसी ग्रेड हो, ठीक है, उनका है 1 लाख से 5 लाख, और उसके ऊपर 5 लाख से ऊपर अगर चाहिए तो डीआरएम साहब या जो एचओ प्रिंसिपल एचओडी हैं, ठीक है, उनका सैंक्शन चाहिए,
बराबर। तो ये मोर और लेस आपको थोड़ा एक आइडिया, उस जो करंट एसओपी हमेशा चेंज होता रहता है, जब भी आप इसको वर्कआउट करोगे, ठीक है, बनाना अपने लोगों को ही है, ठीक है, तो आप जब भी इसको वर्कआउट करोगे तो आप उस समय एसओपी क्या अलाउ कर रही है वो आप पावर देख लेना, ठीक है। अगर वो एसओपी सपोज आप देख लो कि भाई हमारा 10 है 3 लाख, तो 3 लाख किसके पावर में है, उससे पे वो फाइनली साइन होगा, ठीक है। चलिए जी आगे चले, अब तक कोई डाउट? चलो साहब की आवाज चली जाती बार बार, आवाज सर चेक कट रही है सर, आवाज कट रही है। चलिए मैं और थोड़ा क्लोज होके बोलूंगा, ठीक है जी। अगला जो टॉपिक है हमारा, आवाज सर कट रही है सर, इसको फिर से रिपीट कीजिए आप। अच्छा, सबको सबको सेम प्रॉब्लम आ रहा है या स्पेसिफिकली सभी को प्रॉब्लम आ रहा है? कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये देखिए ना, ये आप ये अब सोचो आपकी कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, ये अपने डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। बैंडविड्थ बढ़ाना पड़ेगा, तो आप लोग जब फुल फ्लेज में आना, ठीक है, तो कोशिश करना हमेशा कि भाई अच्छे से अच्छा, ठीक है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर ही हर जगह हो, ठीक है। प्लीज, हाँ, ये थोड़ा इशू है, नेटवर्क इशू है, तो आई होप अगर बेरेबल हो तो अपने आगे चलते हैं। अभी क्लियर है? हाँ सर, ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, प्लीज, हाँ, ट्राई थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज। हाँ, अब हम बात करेंगे एबीसी एनालिसिस। जब भी कोई चीज आप स्टॉक में रखते हो, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टोटल कितने पैसे का आपने सामान रखा हुआ। थोड़ा एक बार ना लंबी आप डीप ब्रीथ कर लो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार डीप ब्रीथ कर लो, हाँ, बिल्कुल टॉपिक नया है, आपको मजा आएगा। डीप ब्रीथ, हाँ, और ट्राई टू कनेक्ट। ओके सर, हाँ जी, शुरू करते हैं एबीसी एनालिसिस, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नेचुरल सी बात है कि आप सपोज एक स्टोर चलाते हो, स्टोर में कुछ हाई वैल्यू आइटम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, जो हाई वैल्यू आइटम्स होंगे ना, उनको आप पता है बहुत सेफ में रखोगे, उसको अलमीरा के अंदर लॉक करके, और लॉक शाम को जाओगे भी ना तो लॉक को 2-3 बार चेक करोगे कि बराबर है ना, ठीक है। फिर उनकी संख्या बहुत कम होगी, पता है 3-4 या 5 होगा, लेकिन आप उसके पीछे बहुत परेशान होगे। और बाकी जो रबर आइटम होगा, लाइक बहुत सस्ता वाला आइटम होगा, उसको क्या करोगे? अरे कोने में पड़ा रहेंगे, ठीक है, नेचुरल सी बात है, आपका अटेंशन उधर कम जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल इसी ह्यूमन नेचर से मीट करता हुआ हमारा ये एनालिसिस है कि किस आइटम को कितना केयर करना है, ठीक है, ओके, और कितना उसको प्रिजर्वेशन की जरूरत है। और अच्छा, उसके हिसाब से पता है जो ये आप कॉस्टली आइटम है ना, उससे क्या होता है, आपका रेवेन्यू, आपका आपका एक तरह से इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाता है। रेलवे का बहुत सारा पैसा उसमें ब्लॉक होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ह्यूज अमाउंट आप ऐसे आइटम का खरीद लो, जितनी जरूरत है उसके आसपास ही आइटम इसको आपको परचेज करना है। ऐसे को हम एक एबीसी एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। एबीसी एनालिसिस इज डेराइव्ड फ्रॉम द टर्म द पारेटो प्रिंसिपल। ये ध्यान रखना, लाइफ में भी ये प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं, द पारेटो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पारेटो प्रिंसिपल, पारेटो एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक रूल दिया था जिसको 80/20 रूल भी बोलते हैं। लाइफ में कैसे अप्लाई होता है आप जानते हो, अभी समझेंगे इसको। हाँ, बहुत जोरदार है, बस याद रखना पारेटो प्रिंसिपल, आप गूगल करना, जोरदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पारेटो प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल से ड्रिवन है एबीसी एनालिसिस, ठीक है। दूसरा नाम है 80/20 रूल, कहता है दिस प्रिंसिपल सजेस्ट्स दैट 80% ऑफ द टोटल आउटपुट, बड़ी जोरदार चीज है भाई, 80% ऑफ द टोटल आउटपुट इज जनरेटेड आउट ऑफ only by 20% of the available efforts. 80% आप result ले सकते हो केवल 20% effort के, लेकिन वो effort कैसा होना चाहिए? valuable. example, जैसे मान लो आप जब आप school में रहे होंगे, मान लो 11, 12 और आपने suppose diploma वगैरह किया होगा, तो उसमें आपको पता है पूरे course में 20% ऐसा पोर्शन होता था ना जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता था, अगर आपने उसके लिए ज्यादा अच्छे से वर्क कर लिया ना, तो आपके 80% रिजल्ट आ जाते थे, ख्याल है? ये तो आपने फील किया होगा ना, ठीक है। तो आप बार बार हर बार ये बोलने जाते ना, अरे इंपॉर्टेंट दे दो ना, इंपॉर्टेंट जरूर लेने जाते थे, इवन टीचर्स के पास भी जाते थे भी इंपॉर्टेंट दे दो। तो इंपॉर्टेंट का यही मतलब होता था कि वो 20% आपको पता चल जाए, जिससे आप
कम उन 20% पर काम करके 80% रिजल्ट हार्नेस कर सको, ठीक है। तो ये हमारे लाइफ में भी अप्लाई होता है, ठीक है, पैरेटो प्रिंसिपल, इसी पर बेस्ड है एबीसी एनालिसिस। एक और इसमें एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको हम बोलते हैं टीओआर, टर्न ओवर, ठीक है। ये अपना स्टोर में टीओआर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब भी स्टोर कीपिंग करोगे तो टीओआर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। मेंटेन होता है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, टोटल इन्वेंट्री बैलेंस इन रुपी। आपके आज के डेट में आपके बुक पर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। जनरली पहले टीओआर ना एक एनुअल बेसिस पर निकाला, एक साल में टीओआर निकाला जाता था। हम क्या करते थे, टोटल इन्वेंट्री बैलेंस ऑन 31st मार्च ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, 31st मार्च को कितना बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू ऑफ स्टोर्स इश्यूड ड्यूरिंग, और पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने टोटल कितना स्टोर इश्यू किया, इस रेशियो को हम टीओआर बोलते थे। और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज के फॉर्म में आता है, ठीक है। द टारगेट फॉर टीओआर इज जनरली केप्ट अराउंड 15%। टीओआर अगर आपका आपके स्टोर का 15% है तो वो बोला जाता है बहुत अच्छा टीओआर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान रखना। तो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि टीओआर अगर जैसे जैसे आपको टीओआर समझना है तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूँ। एक वर्ड है सीबीआई, सीबीआई, सीबी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, और आई का मतलब होता है इशू। तो एक फॉर्मूला लगाना, सीबी डिवाइडेड बाय आई, सीबी डिवाइड बाय आई, सीबी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस हो गया, डिवाइड बाय आई का मतलब इशू, ठीक है। तो टीओआर का फॉर्मूला कहीं लिख लेना, सीबी डिवाइड बाय आई, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द एफिशिएंसी विद रिगार्ड्स टू सर्विस इज वर्क आउट बाय कंपाइलिंग कंप्लायंस परसेंटेज ऑफ मटेरियल अगेंस्ट ऑल रिक्विजिशंस रिसीव्ड इन स्टोर डिपार्टमेंट। ये मजे की बात है, स्टोर डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, टीओआर मेंटेन के लिए, मेंटेन करने के लिए उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग कि जनरली जैसे मान लो आपने इंडेंट रखा, बहुत सारे इंडेंट रखे आपने, तो इंडेंट आपने रखा लेकिन स्टोर आपको कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, आपको सभी इंडेंट के अगेंस्ट मटेरियल नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो वहां से स्टोर का जो कंप्लायंस रेशियो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। जैसे आपने मान लो 100 आइटम पूरे एक ड्यूरेशन में मांगा और रेलवे आपको केवल 98 आइटम दे पाया, इसका मतलब उसका कंप्लायंस कितना हुआ, 98%, 2% तो फेल हो गया आपको मटेरियल देने में, ठीक है। तो वही द टारगेट फॉर कंप्लायंस इज केप्ट बिटवीन 95 to 98। अब देखो, अगर आप किसी को 95 to 98% कंप्लायंस दे पाते हो तो ये बहुत अच्छा कंप्लायंस माना जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉर वाइटल एंड सेफ्टी आइटम्स, अगर कोई अच्छा पता है ना आपको आइटम को हम रेलवे में और भी अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, वाइटल essential and desired plus safety, ठीक है, सारी कैटेगरी अभी देखेंगे इसको। For vital and safety category items, the compliance is aimed for 100%. ध्यान रहे, अगर सेफ्टी कैटेगरी का आइटम है या वाइटल कैटेगरी का आइटम है तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है इसका कंप्लायंस 100% हो, मतलब 100 अगर डिमांड है तो 100 ही सप्लाई करना है, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। चलो आगे, अब स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन ऑफ एबीसी आइटम्स। स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन है, पहला है ए कैटेगरी आइटम्स। ए कैटेगरी आइटम क्या होते हैं, हाई वैल्यू आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 70% ऑफ द, ठीक है। ए कैटेगरी आइटम्स आर हाई वैल्यू आइटम्स constituting about 70% of value of store. Total store value का 70% जो पैसा होगा, ठीक है, वो उसी में block होगा, किसमें, A category item में। लेकिन उनका volume कितना होगा, केवल 10%। This category of items are mentioned, monitored right from indent, tender, receipt,
स्टैकिंग इशू एक्सेट्रा एट पीएचओडी लेवल। ध्यान रहे कि अगर कोई भी आइटम ए कैटेगरी आइटम है तो उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल हेड है वो कर रहे हैं। ओके, प्रिंसिपल हेड जो है वो उस आइटम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दैट इज ए कैटेगरी आइटम। और ए कैटेगरी आइटम का इंटेंट बनाने से लेकर स्टैकिंग और इश्यू तक सब पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है बी कैटेगरी आइटम। कैटेगरी बी कैटेगरी आइटम्स आर मॉनिटर्ड नॉट सो क्लोजली, इतना क्लोजली हम उसको मॉनिटर नहीं करते, एंड स्ट्रिक्टली एज ए कैटेगरी, बट कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट सीएमएम लेवल। ये भी मतलब जो काफी हाई लेवल के डीआरएम सीएमएम का मतलब ऑलमोस्ट डीआरएम लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग होती है। 20% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर कंप्राइजेस से 20% आइटम। अब ध्यान रहे कि बी कैटेगरी में कौन आइटम आएगा, 20% आइटम जिनकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू की 20%। ये मैं अभी एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझाऊंगा, अभी खाली आप इसको समझ लो कि क्या एग्जैक्टली ए बी सी है। सी कैटेगरी कंसिस्ट ओनली 10% ऑफ द वैल्यू, टोटल वैल्यू का 10% है, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी होती है, टोटल क्वांटिटी का 70%, टोटल क्वांटिटी का कितना होता है 70%। और इसको हम मॉनिटर कौन करते हैं, अपने जो डेपो ऑफिसर्स होते हैं या इवन जे ग्रेड से नीचे ऑफिसर जो होते हैं वो सी कैटेगरी की क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, बराबर। तो मोटे मोटे तौर से समझ में आ गया ए बी और सी। ए कैटेगरी क्या है, आइटम होगा 10% टोटल आइटम का, लेकिन वैल्यू कितनी होगी 70%, ठीक है, टोटल वैल्यू की। बी कैटेगरी में आइटम होंगे 20% और वैल्यू होगी टोटल वैल्यू का 20%। सी कैटेगरी में आइटम होगा 10% सी कैटेगरी में आइटम क्या होगा, सॉरी आइटम होगा 70% और वैल्यू कितनी होगी, टोटल का 10%, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, ए कैटेगरी में आइटम 10% की वैल्यू 70%, बी कैटेगरी में 20% आइटम होंगी, वैल्यू भी 20% होगी टोटल की, सी में आइटम होगा 70% वैल्यू होगी 10%, ठीक है जी सर। हाँ आगे देखते हैं, मेगा वाला एक कैटेगरी में और मीडियम वाला भी कैटेगरी में, बस 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 सर। हमारे यहाँ एक कैटेगरी में जैसे केबल रिले जो कॉस्टली आइटम है वो आते हैं, केबल रिले वगैरह। एक मजे की बात है, अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे ए कैटेगरी बी कैटेगरी और सी कैटेगरी डिसाइड होता है। ये सपोज आप रिले बहुत महंगा है, नो डाउट बहुत महंगा है, लेकिन मान लो पूरे साल में 10 रिले यूज होता है तो जो टोटल खर्च आएगा ना वो शायद वो उतना ज्यादा ना हो। अगर रिले महंगा है और वही रिले अगर 1000 रिले यूज होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ गई, बढ़ गई तो टोटल वैल्यू टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो वो एक कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल कॉस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू यानी क्वांटिटी और वैल्यू उसका डिसाइड करेगा वो एक कैटेगरी में है बी और सी में, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल रखा हुआ है, उसके थ्रू हम समझ लेंगे सारा, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रिसीट्स इश्यूज एंड बैलेंसेस आर मॉनिटर्ड थ्रू बिल कार्ड। जब बिल कार्ड स्टोर में मेंटेन होता है, रिसीट भी उसी में लिखा जाता है, इश्यू भी लिखा जाता है, बैलेंस भी लिखा जाता है। तो ध्यान रहे जब भी कोई बात करे बिन कार्ड क्या है, तो बिन कार्ड एक कार्ड है जिसमें रिसीट उसे और बैलेंसेस मेंशन होते हैं, ठीक है। एनुअल एवरेज कंजम्पशन, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था, AAC, ध्यान रखना, एनुअल एवरेज कंजम्पशन ऑफ ए कैटेगरी आइटम इज रिव्यूड बाय PHOD। जैसे ए कैटेगरी का नाम आया ना, डिपार्टमेंट के हाइएस्ट लोग इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती है क्योंकि पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो रहा होता है, ठीक है, इसीलिए इसको PHOD लेवल पर मॉनिटरिंग की जाती है। अगला हाईलाइट है, बाय कंसंट्रेटिंग ऑन हाई वैल्यू आइटम्स बेटर एंड क्लोज कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री कैन बी अचीव्ड।
ठीक है, इन्वेंट्री का जो इन्वेंट्री कंट्रोल का जो मैटर है ना, वो ए कैटेगरी को अच्छे से हैंडल करके ही हो सकता है। ए कैटेगरी में बहुत कंट्रोल चाहिए, एक्स्ट्रा आपको खरीदना ही नहीं है। 10 की जरूरत है तो 9 खरीदो या 11 खरीदो, ऐसा नहीं 10 की जरूरत है और 50 खरीद लिया तो बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा रेलवे का। अच्छा 10 की जरूरत है और आपने 5 खरीद लिया, आपकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी, ये भी प्रॉब्लम। तो बिल्कुल ऐसा क्लोज मॉनिटरिंग होना चाहिए कि आप उतनी ही क्वांटिटी खरीदो एक कैटेगरी की, जिससे आपका सारा रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए और सरप्लस भी ना होने पाए। ठीक है, चलो आगे चलते। एक एग्जांपल है, इसको कैलकुलेशन के थ्रू समझेंगे। एक मान लो कोई स्टोर है, ठीक है, स्टोर का नाम इसमें नहीं लिखा है, इसमें इसमें क्या क्या स्टॉक है, एक का नाम है H1 भी हो सकता है, दूसरा J1, दूसरा J2, तीसरा J3, आइटम के नाम है सब, तीसरा चौथा उसके बाद K1 और K2, तो कुल कितने आइटम है, 6 आइटम मान लो कहीं पर स्टॉक किए गए हैं, बराबर। अच्छा इस उसमें ना उन्होंने एवरेज डिमांड पर यूनिट दे रखा है, एवरेज डिमांड कितना है, H1 की मान लो डिमांड है 200 नग इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसे ही J1 की कितनी है 250, नेक्स्ट वन 350, नेक्स्ट वन 300, 400, 500, इस तरह से एवरेज डिमांड है पर यूनिट की। अब टोटल इस तरह से कितना हो गया, एवरेज टोटल डिमांड कितना है, 2000 नग चाहिए, H1 का 200 नग, J1 का 250, J2 का 350, लाइक दैट। अच्छा उसके बाद ना सेल प्राइस जो है, एक की 200 रुपए है, H1 की कितनी है 1400, जो 200 है नग में, H1 की एक यूनिट की प्राइस कितनी है 1400 रुपए, कितना है 1400, J1 का कितना है 1250, ठीक है, J2 का कितना है 120, और K2 का लास्ट में देखो 10 रुपए है एक यूनिट का। इसके बाद आप क्या करोगे, अगले कॉलम में क्या है, टोटल सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो टोटल सेल वैल्यू कैसे निकलेगा, डिमांड मल्टीप्लाइड बाई सेल प्राइस, डिमांड मल्टीप्लाइड बाई सेल प्राइस। तो अब क्या किया हमने, 200 मल्टीप्लाइड बाई 1400, टोटल कितना हो गया 2,80,000 H1, टोटल सेल वैल्यू कितनी होगी H1 की 2,80,000, J1 की कितनी हुई 3,12,500, J2 की कितनी हुई 42,000, J3 की कितनी हुई 14,000 सॉरी, K1 का कितना हुआ 10,000, K2 का कितना हुआ 5,000, आया समझ में, अब तक आई थिंक क्लियर होगा सब चीज, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर, क्लियर। और इस तरह से आप टोटल सेल वैल्यू लास्ट में सबको टोटल निकाल लोगे, 6,63,500, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अच्छा अब मजे की बात देखना, अगला कैलकुलेशन है परसेंटेज शेयर इन टोटल सेल वैल्यू। ये परसेंटेज शेयर कैसे निकालेंगे, जो पहला परसेंटेज शेयर है 42.20%, कैसे निकला होगा भाई, आपने ना कैलकुलेटर में 2,80,000 को जब आप 6,63,500 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी कितनी, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 42.20% करके देखना, 42.20 आ गया समझ में जी सर। तो H1 का परसेंटेज शेयर इन टोटल सेल वैल्यू कितना है 42.20%, J1 का जो शेयर है, J1 का कितना शेयर है वो है 47.10%, J2 का शेयर है 6.33%, J3 का शेयर है 2.11%, K1 का शेयर है 1.51 और K2 का है 0.75%। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट कॉलम है ना, परसेंटेज शेयर इन टोटल सेल वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पकड़ लेना। और टोटल परसेंट कितना हुआ, नीचे सम करोगे तो 100% आ गया, आ गया, ये आना जरूरी है भाई, बराबर। अब आगे क्या होगा, एनालिसिस कैसे करोगे, ये कौन सा आइटम ए कैटेगरी बनेगा, कौन सा बी कैटेगरी बनेगा, कौन सा सी कैटेगरी बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए और दो कॉलम और बढ़ गए, देखो परसेंटेज शेयर इन टोटल शेयर वैल्यू तक तो सब बराबर है, उसके बाद दो कॉलम बढ़े, क्यूमुलेटिव परसेंटेज शेयर, ठीक है, और लास्ट वाला है एबीसी एनालिसिस क्लासिफिकेशन। तो H1 को H1 में कितना हुआ,
क्यूमुलेटिव परसेंटेज वाले कॉलम में देखो, एच वन का कॉलम आप एज इट इज लिख दोगे 42.20, ठीक है। अब क्यूमुलेट करना है तो 42.20 में जे वन का परसेंट जोड़ दोगे कितना, 47.10, तो कितना हो गया 89.30 लिखा हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है एच वन प्लस जे वन बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब कितना, एच वन और जे वन मिल के टोटल शेयर का कितने परसेंट हो गए, 89.3% हो गए, कितना हो गए। तो सोचो एक एडिटिंग करने लायक है नहीं, 70% से ऊपर गया कि नहीं, यस जी सर, जस्ट क्रॉस 70%। तो एच वन और जे वन मिलके क्लास ए बन जाएंगे, एक कैटेगरी आइटम बन जाएंगे बराबर। अगली बात आ जाओ, अगली बात समझ लेते हैं। जे टू पर आओ, जे टू को अलग से हैंडल करो, जे टू का क्यूमुलेटिव अलग से बनाना, 6.33 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जे थ्री का अलग से देखो, जे टू को ऐड करोगे जे थ्री के परसेंटेज में कितना हो जाएगा, एट इज 6.33 प्लस 2.11 कितना हो गया 8.44, ये बन गया जे टू प्लस जे थ्री। तो टोटल इन दोनों का क्यूमुलेटिव कितना बना, केवल 8.5%, ठीक है। ये क्लास बी बन जाएगी, क्लास सी में आ जाओ। के वन का परसेंटेज है वन, क्यूमुलेटिव वन अलग से बनाना 1.51, इसमें 0.75 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2.26, इन दोनों को मिला के आपका क्या हो गया, क्लास सी हो गया। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन होता है एबीसी का, ठीक है। एक अच्छा सा एग्जांपल था, 20% था। हाँ जी, क्लास बी के लिए तो सिर्फ 20% अब मान लो 20% नहीं हुआ, आप 20% से कम है ना, ठीक है। दूसरा जो हेड सी ही होना चाहिए, नहीं नहीं सुनो 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 एक बात, इसीलिए एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया आपको जी सर। एसी एनालिसिस नहीं कर रहे, एबीसी कर रहे हैं, तो एक अगर एक बार डिसाइड हो गया तो उससे नीचे वाला बी, उससे नीचे वाला सी, लॉजिक समझ आ गया बराबर। एक को बी नाम देना पड़ेगा ना, ठीक है जी सर। हाँ जी, तो इसीलिए ये एसी एनालिसिस नहीं एबीसी एनालिसिस है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो जरूर 8.44% आया है, लेकिन अब सी उससे एक और नीचे है ना 2.26, तो नेचुरल सी बात है बी को कहीं ना कहीं फिट करना पड़ेगा, तो हमने बी सही जगह पर फिट किया है, ठीक है। तो एक बड़ा सा एग्जांपल लेके भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। चले आगे, अब इसका जो कंक्लूजन है आपको दिखाई दे रहा है, जरा एक बार आप पढ़ना कंक्लूजन, जरा पढ़ो स्लोली स्लोली, सब लोग पढ़ लें, अगर समझ में आए तो जस्ट हाँ बोल देना। Here it can be seen that the stock item is given per controller 50% share of the total sales. Okay sir. Done. चलिए चलिए, बहुत अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीईडी क्लासिफिकेशन मटेरियल्स का, जैसे एबीसी क्लासिफिकेशन, एबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वीईडी, आप नाम याद रख लो, वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल, ठीक है। ये भी एक कैटेगरी है आइटम्स का, बस इसके बारे में अपने ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वाइटल एसेंशियल और डिजायरेबल ये रेलवे में यूज होता है। इसके अलावा आज के डेट में एक और आइटम आ गया है, पैसेंजर एमिनिटी आइटम, पीए आइटम, ठीक है। बस ये नाम याद रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। वाइटल है, एसेंशियल है, डिजायरेबल है और पीए है, बस नाम याद रख लो, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब है प्लेसमेंट ऑफ रिक्विजिशन। आपको मांग पत्र अगर रखना है तो कैसे कैसे मांग पत्र होते हैं उसको जरा समझ लो। ऑल इश्यूज फ्रॉम अ स्टोर डिपो आर मेड ऑन स्टोर डिपो, मेड ऑन रिटन रिक्विजिशंस ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म बाय द इंडेंटर, ठीक है। इंडेंटर कौन होंगे, हम लोग होंगे, आप लोग होंगे, से मांगेंगे, स्टोर डिपार्टमेंट से मांगेंगे, रिटन एक फॉर्मेट है, ठीक, उसी पर मांगेंगे तभी मिलेगा। देयर शुड बी साइंड, these should be signed by gazetted officer, ध्यान रहे
कई बार एसएससी साइन कर लेते हैं, अपने लोग साइन कर लेते हैं, वो नहीं चलता है, लेकिन फॉर करके अगर साइन है तो चलेगा, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर एक्सेप्ट इंप्रेस्ड शेड्यूल, मजे की बात यहाँ ध्यान रखना, जो इंप्रेस्ड शेड्यूल है ना, हर क्वार्टरली आप लेने जाते हो उसमें एसएससी के साइन चल जाएंगे, ठीक है, लेकिन दूसरा कोई भी अगर मांग पत्र है तो उस पर गजेटेड ऑफिसर के साइन चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंप्रेस्ड शेड्यूल पर जो है वो सीनियर सुपरवाइजर का साइन चलेगा, बाकी किसी भी मांग पत्र पर ऑफिसर के साइन चाहिए। एक पहला जो है रिक्रूटमेंट शेड्यूल फॉर इंप्रेस्ड स्टोर, वो फॉर्म है S1830, ठीक है, ये इंप्रेस्ड स्टोर से मांग पत्र है, इसको आप भरते हो और भर के स्टोर में ले जाते हो, वहां से मटेरियल ड्रॉ करते हो, इस पर साइन एसएससी का चलेगा, ठीक है, सीनियर सुपरवाइजर का चलेगा। उसके बाद है कंबाइंड रिक्विजिशन एंड इशू नोट S1313, इस पर नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद है सेपरेट रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है, S1302, इस पर भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये नाम है, फॉर्म के नंबर्स हैं, याद रहे तो अच्छा है, बाकी कुछ नहीं, आजकल सब कंप्यूटराइज हो गया है, आपको अब एज अ कंसाइनी यूडीएम पर काम करना सीखना पड़ेगा, यूजर डेपो मॉड्यूल है, आपको डिजिटल सिग्नेचर्स बनाने पड़ेंगे और सबके बनेंगे भी, और उसी डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज करके आप सारी चीजें ऑनलाइन प्लेस कर सकते हो, बट जो कॉन्सेप्ट है स्टोर का वो एज इट इज रहेगा। थ्योरेटिकली आपको पता है, अब थोड़ा स्मार्टली चीजों को कर पाओगे। आगे चलते हैं। अच्छा, अब पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व व्हाइल प्लेसिंग द रिक्विजिशन, अगर आप मांग पत्र बना रहे हो तो क्या क्या बात आप ध्यान में रखना है, वो जरा एक बार रीड कर लो, अप टू एच, ए से लेकर एच पॉइंट, जरा एक बार आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, ए है, बी है, सी है, ये आपको ध्यान रखने हैं जब आप रिक्विजिशन प्लेस कर रहे हो, कोई मांग पत्र आप प्लेस कर रहे हो। ठीक है जी, हो जाए तो बताना। ठीक है सर, ठीक है, चलो नाइस नाइस। अगला है डेपो ट्रांसफर, ये आप फ्रीक्वेंटली यूज करोगे, ठीक है, याद रखना है फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक मजे की बात है, आज ये भी ऑनलाइन हो गया है, जो डेपो ट्रांसफर है इट कैन बी मेड ऑनलाइन, हाँ, इट कैन बी डन ऑनलाइन, राइट। इसमें दो तरह का होता है, एक डीटीआई है, इश्यू है, और एक डीटीआर रिसीट है, ठीक है। अब देखिए जरा, द फॉर्म शोड बिलो, अच्छा ये फॉर्म मैं अटैच नहीं कर पाया, इसका मुझे फोटो लेना था, बस खाली फॉर्म नंबर आप याद रखो, डेपो ट्रांसफर में आपको इसको यूज करना है, ध्यान रहे साइन डेपो ट्रांसफर पर गजेटेड ऑफिसर का होगा, डेपो ट्रांसफर पर गजेटेड ऑफिसर का ही साइन चलेगा, ठीक है। फॉर्म नंबर S1320, S1320 याद रखना, ठीक है, 1320 नंबर का फॉर्म, बस नंबर याद रखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है, इसका फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्मेट मतलब इजिली अवेलेबल है, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है स्टॉक वेरिफिकेशन शीट। अब जब आप स्टोर मेंटेन करते हो तो नेचुरल सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो टैली बुक है या जो भी बिन कार्ड आप यूज करते हो उसको समय समय पर क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई भी कराना पड़ेगा। सपोज ए कैटेगरी आइटम है तो ए कैटेगरी आइटम अकाउंट डिपार्टमेंट से एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में दो बार 6 मंथ के ड्यूरेशन पर क्या करना पड़ता है, वेरीफाई कराना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैटेगरी आइटम फॉर वेरिफिकेशन इज 6 मंथ, बी कैटेगरी आइटम इट इज एक साल में एक ही बार करना है तो 1 ईयर, और सी कैटेगरी आइटम को 2 साल में एक बार करना है। इससे सुन लो, ए कैटेगरी आइटम एक साल में दो बार वेरीफाई कराना है, 6 मंथ का ड्यूरेशन है, बी कैटेगरी आइटम को साल में एक बार
करना है, दैट इज एक साल में एक ही बार करना है, और सी कैटेगरी आइटम को दो साल में एक बार अकाउंट वेरिफिकेशन चाहिए। ये तो हुआ अकाउंट वेरिफिकेशन। डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन भी होती है, आप डिपार्टमेंटल अपने ऑफिसर आके एक रजिस्टर में इसको वेरीफाई करते हैं। डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन आप कितने बार भी कराओ, कई बार तो मंथली भी शेड्यूल होता है, कई बार बाई मंथली होता है, इंडिपेंडेंट, बट अकाउंट वेरिफिकेशन जो है उसका शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है। स्टॉक वेरिफिकेशन थोड़ा पढ़ते हैं। स्टॉक वेरीफायर, एसबी नाम सुना होगा, आईएसए होते हैं अकाउंट में, अकाउंट के अकाउंट इंस्पेक्टर होते हैं, हम लोग आके हमारा स्टोर जो है वो वेरीफाई करते हैं, ठीक है, स्टॉक को वेरीफाई करते हैं। द स्टॉक वेरीफायर शुड प्रिपेयर इन ट्रिप्लीकेट, ये तीन फॉइल में एक स्टॉक शीट फॉर्म होती है, उस फॉर्म का नंबर है S1260, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, स्टॉक शीट जो है इसी में भरी जाती है, ये तीन फॉइल में बनता है, कार्बन लगा के तीन फॉइल में, कौन सा S1260, फॉर ऑल आइटम्स ऑफ स्टोर्स। एक फॉर्म पर पांच या छह आइटम आप लिख सकते हो, एक फॉर्म पर पांच छह आइटम आप मेंशन कर सकते हो। ऑल आइटम्स ऑफ स्टोर्स द वेरिफिकेशन ऑफ विच हैज बीन कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लीटेड दैट डे, ठीक है, हम जितने का वेरिफिकेशन हो गया है, जितने का ग्राउंड बैलेंस और लेजर बैलेंस, ध्यान रखना दो बैलेंस होता है, एक कंप्यूटर जो बताएगा उसको हम लेजर बैलेंस आज के डेट में बोलते हैं, पीपीएल टैली बोलते हैं, और दूसरा जो होता है आपका ग्राउंड बैलेंस, ये दोनों को हम स्टॉक वेरीफायर वेरीफाई करते हैं और उसकी एंट्री करते हैं किसमें, फॉर्म पे 1260 में, ठीक है, ओके। स्टॉक शीट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेट इन द फील्ड बुक, ठीक है, और उसको फील्ड बुक में एंट्री की जाती है, ठीक है, एक फील्ड बुक होता है, ठीक है, द स्टॉक स्टॉक शीट सो प्रिपेयर्ड विल कंटेन ओनली द ग्राउंड बैलेंस, द स्टॉक शीट सो प्रिपेयर्ड विल कंटेन ओनली द ग्राउंड बैलेंस, ठीक है, ध्यान रहे इसमें हम ग्राउंड बैलेंस को मेंशन करते हैं। द स्टॉक वेरीफायर रिपोर्ट हैज टू बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग द प्राइस लेजर इन फॉर्म S1260 showing the book balance, the ground balance as per the stock sheet and the excess shortage. अब ध्यान से देखना, जो अपना field book होता है ना, field book में, अच्छा stock sheet तो बन गया, stock sheet में एक side ground balance होता है और एक side ledger balance होता है, ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करते हैं हम field book में entry करते हैं, field book में clear mention करते हैं अगर कुछ shortage है और excess है, अदरवाइज अगर नहीं है तो ग्राउंड बैलेंस और ठीक है, और कई बार तो फील्ड बुक में हम लोकेशन भी मेंशन करते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर ये आइटम रखा है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्म नंबर याद रखना, अकाउंट वेरिफिकेशन फ्रीक्वेंसी याद रखना, अकाउंट वेरिफिकेशन फ्रीक्वेंसी एक कैटेगरी आइटम के लिए साल में दो बार छह महीने पर, बी कैटेगरी आइटम की है साल में एक बार, और सी कैटेगरी आइटम को वेरीफाई कराना है दो साल में एक बार, बस इतना आपको थम रहे, ठीक है, डन। बी को कितने कितना बताया सर, साल साल में एक बार, बी को कौन सा बी हाँ साल में एक बार, साल में एक बार सी दो साल में एक बार, हाँ बराबर, ठीक है, कोई डाउट इसमें, नो सर, फॉर्म नंबर याद रखना, तो सर कॉमन करने आते हैं एबीसी तीनों आइटम का एक साथ ही करने आते हैं, क्या कह रहे हैं सर, जनरली तो तीनों आइटम का एक साथ ही करने आते हैं, अलग अलग नहीं आते, बिल्कुल सही बात है वो एक बार आएंगे ना, लेकिन आपको ध्यान रखना आपको प्रायोरिटी बेसिस पर एक कैटेगरी पहले कराना है, क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ख्याल आ गया, तो ऐसा ना हो कि आप बार 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 सी कैटेगरी कराते जाओ जो कि दो साल में एक बार होना है और एक कैटेगरी कहीं आपसे पीछे छूट जाए, ठीक है, ओके सर, वो आएंगे उनको ये नहीं पता है कि वो ए के लिए आ रहे हैं, बी के लिए आ रहे हैं, सी के लिए, हमें प्लान करना है, हमें एक जो है वो इस तरह से मेंशन करना है कि भाई साल में दो बार हो जाए, हर सिक्स मंथ के ड्यूरेशन पर हो जाए, ठीक है सर, अपने अधिकारी को बुलाते हैं क्या कॉल करके, फिर से एक बार बोल दीजिए प्लीज, अधिकारी कौन आते हैं, अधिकारी अधिकारी हाँ हाँ अधिकारी को
कौन आते हैं इसमें वेरीफाई करने के लिए? अच्छा एसवी आते हैं, स्टॉक वेरीफायर आते हैं और आईएसए आते हैं, ठीक है, आईएसए इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर अकाउंट्स, ठीक है, ये अकाउंट करके सर अपने लोग भी 6 महीने ज्यादा हो जाए तो बुला सकते हैं क्या? देखिए वैसे 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 कुछ नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है अगर किसी ने संज्ञान लिया तो हमें एक ऑफिसर नोट, हमारे खुद के ऑफिसर नोट पकड़ा देंगे कि भाई आपने ये एक मिस्टेक किया है, ठीक है, और वैसे कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमारी ड्यूटी में है भाई एक सर। हाँ जी आईएसए का इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर अकाउंट्स, इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर अकाउंट्स सर। फील्ड बुक का मतलब वो डेली ट्रांजैक्शन वो रिपोर्ट जो होता है वही ना है सर? ईटीआर जो वो करते हैं वो, हाँ उसको टैली बुक, आप डेली ट्रांजैक्शन को टैली बुक पर मेंटेन करते हो, ठीक है, लेकिन फील्ड फील्ड बुक वो आईएसए लेके आते हैं, आईएसए जो है ना अकाउंट वाले वो फील्ड बुक लेके आएंगे कि भाई इस जगह इस फील्ड में गए और इस फील्ड में ये पाया गया, चला गया। अच्छा वो फील्ड बुक अपनी बुक नहीं होती, वो अकाउंट्स की बुक होती है, ठीक है, लेकिन उनके बुक पर हमें भी साइन करना होता है, वो जितनी एंट्रीज करेंगे ना फील्ड बुक पर हमें भी साइन करना होगा, बराबर। चलिए आगे चलें, ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, अब है इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक शीट्स एंड स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट। इस क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो करने हैं, तो एक बार जरा एक से लेकर और 8 इंस्ट्रक्शन है, जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो एक्सप्लेन करूं मैं स्लोली, हाँ यू कैन टेक अपना टाइम आप लेके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज। ये नोट भी डाल देना कंप्लीट हो जाए तो बताना। हाँ हो गया चलो जी आगे चलते हैं।
सर पांच नंबर को सर वेरीफाई कीजिए सर, पांच नंबर ओके जी सर। आप बोले हैं कि बुक जो है फील्ड बुक जो है उनके पास रहता है, मैं बता कैसे वो बताता हूँ। द स्टॉक शीट शुड बी प्रिपेयर्ड दैट ऑल क्वांटिटी शोन इन द फील्ड बुक आर क्लियरली ट्रेसेबल इनटू द स्टॉक शीट। ठीक है, तो स्टॉक शीट बना, ठीक है, और जो फील्ड बुक बना, ठीक है वो दोनों में जी बिल्कुल पैरेलल चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, दोनों जगह अगर गलत डिफरेंट लिखा हुआ है तो एक बड़ा एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगा। क्यों, कारण बताता हूं। जब जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो फील्ड बुक लेके जाएगा, ठीक है, उसको ना उसको पोस्ट अपने यहां पोस्ट कराएगा, अकाउंट पे पोस्ट कराएगा, बराबर जी। और आप आपके पास क्या है, स्टॉक शीट है, स्टॉक शीट के हिसाब से आपका वेरिफिकेशन हुआ है, ग्राउंड बैलेंस वगैरह देखा गया है। अब मान लो कि सपोज स्टॉक शीट में एक पर्टिकुलर आइटम है जिसकी 100 क्वांटिटी लिखी हुई है और उन्होंने गलती से फील्ड बुक में 101 लिख दिया, ठीक है जी सर, जी सर, तो क्या होगा, वो जाके पोस्टिंग कराएंगे 101 का, ठीक है, तुरंत आपका स्टॉक। हाँ, और जैसे कंप्यूटर में पोस्ट हुआ ग्राउंड तो आपका खुद है, और जैसे ही कंप्यूटर में पोस्ट हुआ फिर क्या आ जाएगा, एक डिफरेंस आ जाएगा, दोनों में क्या आ जाएगा, एक डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो वो स्टॉक शीट आपको क्लोज कराने के लिए फिर भागते फिरना पड़ेगा, तमाम एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं भाई ये गलत पोस्टिंग की वजह से हुआ है, बाकी ग्राउंड बैलेंस इतना ही है, ठीक है, रिकवरी बचाने के लिए फिर भागना पड़ेगा। हाँ, वो बड़ा, इसीलिए बहुत केयरफुली दोनों एंट्रीज बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। यानी वो फील्ड बुक पर फुल बुक जो ले जा रहे हैं उस पर जो अपने जो सिग्नेचर्स करेंगे पहले बारीकी से उसको चेक करके उसके दोनों को मैच करेंगे। हाँ, क्योंकि फाइनली कंप्यूटर में पोस्टिंग उनके टैली बुक उनकी फील्ड बुक के हिसाब से होनी है, ठीक है। अब कंप्यूटर में वो पोस्ट कराएंगे तो अकाउंट डिपार्टमेंट के पास पोस्टिंग और आपका ग्राउंड आपके ग्राउंड बैलेंस की पोस्टिंग, ये दोनों डिफरेंट हो जाएगी, तो तुरंत वीआर ठीक है जी। लैंग्वेज जो लिखा हुआ था ना, स्टॉक शीट शुड बी सो प्रिपेयर्ड, तो उसके कारण डाउट हुआ। अच्छा, ठीक, अभी क्लियर है? अब क्लियर है सर। ओके प्लीज अगला है। अब हम बात करते हैं, ये तो चलो ठीक है, आपने नया मटेरियल यूज कर लिया, सब कुछ हो गया, अब स्क्रैप की बात आती है, ठीक है। जब आप कोई चीज है यूज कर लेते हो फाइनली, उसके बाद स्क्रैप जनरेट होता है तो आप उसको फिर स्टोर में जमा कराने जाते हो, या टीएनपी आइटम्स भी आपको जमा कराना होता है। अगर आपको नया टीएनपी आइटम लेना है तो आपको पुराना जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रैप कैन बी डिफाइंड एज द मटेरियल व्हिच इज नो लॉन्गर यूजफुल टू द रेलवे। कैसे डेफिनेशन कैसी है, व्हिच इज नो लॉन्गर यूजफुल टू द रेलवे फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट वॉज ओरिजिनली परचेज्ड और ऑब्टेन्ड, ठीक है। कोई चीज है मान लो, अब वो ओरिजिनली किसी पर्टिकुलर काम के लिए आया है, अब उसका लाइफ पूरा हो गया, उसका काम खत्म हो गया, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर काम के लिए अब वो मटेरियल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको स्क्रैप डिक्लेयर कर दोगे। कैसे करोगे उस बाकी देखेंगे। स्क्रैप ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अराइजिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग प्रोसेसेस। मान लो कई बार इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, वहां पर मान लो कोई प्लेट है, प्लेट को कट किया, कट करने के बाद वो बहुत ऑड शेप का कट पीस बच गया, अब वो तो कहीं यूज नहीं होगा, तो वो भी एक तरह से स्क्रैप बन जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है टर्निंग एंड बोरिंग्स, जब रेल को छिलते हैं ना सही शेप में लाने के लिए टर्निंग्स बनती हैं, ठीक है, मतलब आयरन के बुरादे बनते हैं, उसको बोरिंग बोलते हैं। स्वीपिंग्स, और जो घिस के कटता है ना चिप्स, उसको स्वीपिंग्स। फाउंड्री ड्रॉस, फाउंड्री में बहुत सारे वो मिक्स मटेरियल जिसमें आयरन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, बहुत सारा उस, क्या बोलते हैं, कम ड्रॉस ही बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑफ कट ऑफ मेटल्स, वेस्ट पेपर, वीड, घास फूस, आउट ऑफ रिकॉर्ड, यूज टिकट, जो बहुत सारे टिकट्स यूज हो जाते हैं, ठीक है, उनको भी आपको क्या करना पड़ता है, स्क्रैप करना पड़ता है। वुडन पीसेस एंड सॉडस्ट, ये सारी चीजें एक बार यूज हो गई, ओरिजिनल पर्पस खत्म हो गया, कोई अब रेलवे में इसका यूज नहीं है, तो नेचुरल सी बात है इनका कई बार बड़ा डंप बन जाता है,
ठीक है, तो आप इसको स्क्रैप करते हो, कहाँ भेजते हो, स्क्रैप में भेजते हो, सो दैट इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाए, ठीक है, रेलवे को इससे भी थोड़ी अर्निंग हो जाए। डीएसए फॉर्म आप कैसे भेजते हो, नेचुरल सी बात है, एक फॉर्म होता है जिसका नाम है S1539, S1539 को यूज करके आप डीएसए प्रिपेयर करते हो, ठीक है। बिफोर सेंडिंग मटेरियल्स अदर देन वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, they have to be first declared unserviceable by the competent authority. कोई भी चीज है, कैसे पता चलेगा कि ये आप भले ही कहते रहो कोई नहीं मानेगा, लेकिन जब competent authority officer ने declare कर दिया कि भाई अब ये कोई भी machine tool plant है अब ये further use नहीं हो सकता, ठीक है, तो तब वो माना जाता है कि भाई ये अब इस ये डीएसएट करने लायक हो गया। फॉर मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स ब्रांच ऑफिसर, ब्रांच के जो ऑफिसर होते हैं जैसे सीनियर डीएसटी, ठीक है, डीएसटी एएसटी जो भी वहां पर है, फॉर मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स ब्रांच ऑफिसर्स ऑफ द टेक्निकल डिपार्टमेंट्स आर कॉम्पिटेंट, वो सारे के सारे कॉम्पिटेंट होते हैं टू क्लासिफाई द मटीरियल एज अनसर्विसेबल। वो जब तक सिक्का नहीं लगाएंगे कि भाई ये अनसर्विसेबल है तब तक अनसर्विसेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है, इसीलिए ऑफिसर को के थ्रू ही डिक्लेयर होता है कि कौन सी चीज फर्दर रेलवे में यूज करने लायक है और कौन सी स्क्रैप में जाने लायक है। अगला हाईलाइट है, ऑल स्क्रैप दैट इज अनसर्विसेबल मटेरियल्स आर सेंट बाय डिफरेंट वर्कशॉप्स एंड वेरियस सबऑर्डिनेट्स इन द फील्ड अलोंग विद एडवाइस नोट फॉर रिटर्न स्टोर। कैसे बनाना है उसको, आपको उसमें सारी एंट्री, आप फॉर्म देखोगे ये 6 फॉइल में बनता है, ये फॉर्म जो है 6 फॉइल में आता है जिस फॉर्म का नाम है S1539, ठीक है, और इसके थ्रू इसमें इसको बना के मटेरियल के साथ आप स्क्रैप में ले जाते हो। स्क्रैप मटेरियल्स आर डायरेक्टली रिसीव्ड इन स्क्रैप यार्ड, ठीक है, स्क्रैप यार्ड में वहां पर रिसीव किया जाता है, वेयर दे आर वेटेड, जहां पर तोला जाएगा, मापा जाएगा, काउंट किया जाएगा, एंड देन सेग्रीगेट, और तब उसको अलग अलग किया जाएगा। इफ ट्विन यार्ड सिस्टम, अब वो बात की बात है, मतलब वो यार्ड वाला देखेगा, इफ ट्विन यार्ड सिस्टम इज बीइंग फॉलोड देन ऑल फ्रेश रिसीव्स आर रिसीव्ड इन यार्ड फ्रॉम व्हिच डिलीवरीज ऑफ सोल्ड मटेरियल आर नॉट बीइंग गिवन एट द प्रेजेंट। वहां क्या होता है, यार्ड में एक जो है वो बिका हुआ लोकेशन होता है, उसमें नहीं डाल सकते हम, तो क्या करते हैं नए लोकेशन में हम डालेंगे, ठीक है, नया लोकेशन भर जाएगा, धीरे 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 भर जाएगा तो वो बिक जाएगा, फिर पहला वाला लोकेशन फ्री हो जाएगा आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, तो क्या होगा उस पर फिर हम इसमें फिर डालना शुरू करेंगे, तो बोलते हैं ट्विन यार्ड सिस्टम, एक बिका हुआ हो दूसरा दूसरे में राइजिंग ले रहे हैं, पहला बिका हुआ हो दूसरे में राइजिंग, दूसरा बिके तो पहले में राइजिंग ले, ठीक है, कुल मिला के थंब रूल यह है कि एक फॉर्म पर भर के ले जाना है, फॉर्म का नाम है S1539, कितने फॉइल में जाएगा, 6 फॉइल में जाएगा कार्बन के साथ, कौन साइन करेंगे उसमें, ब्रांच ऑफिसर साइन करेंगे, ठीक है, वही कॉम्पिटेंट है टू डिक्लेयर द थिंग टू बी अनसर्विसेबल। अब ये आपके काम की चीज है, टैली बुक, क्या है टैली बुक, ईच स्टॉक होल्डर, टैली बुक का पढ़िए एक बार, पढ़िए फिर मैं बनाता हूं उसको। Each stockholder should verify his stocks once in 6 months. 6 महीने में आपको जो भी stockholder है उनको verify कराना ही कराना है, ठीक है? ये ध्यान रहे, tally book 6 महीने में verify हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक category की जो frequency है ना, वो tally book की frequency से match होनी चाहिए, ठीक है? He may do so by verifying certain items. ही का मतलब किसके लिए आया है? अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए आया है, और कई बार अपने डिपार्टमेंटल हेड के लिए आया है, ठीक है? आइटम्स एवरी मंथ प्रोवाइडेड वेरीफाई, ही मे डू सो बाय वेरीफाइंग सर्टेन आइटम्स एवरी मंथ प्रोवाइडेड द होल स्टॉक इज वेरीफाइड, ठीक है?
इन कोर्स ऑफ सिक्स मंथ प्रायर टू अप्रैल टू। अच्छा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर खुद आप हर आइटम को हर महीने वेरीफाई करते रहो, ठीक है भाई इस महीने ऑलमोस्ट ये हो गया, या अपने ऑफिसर से वेरीफाई कराते रहो, और सिक्स मंथ में क्या होगा आप अकाउंट से वेरीफाई करवा लो। द डेट ऑफ वेरिफिकेशन शुड बी एंटर्ड इन द रिलेवेंट पेज ऑफ टैली बुक। तो अच्छा टैली बुक पर आपको साइन सिक्का लेना पड़ता है, किसका साइन सिक्का, अकाउंट डिपार्टमेंट का, ठीक है, अलॉन्ग विद द सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल। एक्सेसेस एंड शॉर्टेजेस डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन शुड बी डेल्ट विद लेट डाउन इन फोर्ड। अब क्या होता है अगर मान लो एक्सेस और शॉर्टेज आया तो उसका वीआर बनता है, वीआर बनता है तो इसके लिए फिर आपको बहुत दौड़ा भागी करनी पड़ेगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, चोरी हुई, क्या हुआ, मतलब वो सारा रिपोर्ट आपको फिर अलग से डील करना पड़ेगा, कोडल प्रोविजन क्या कहता है उसके हिसाब से डील, ठीक है। टैली बुक के लिए है वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस इन द टैली बुक आर मेड पीरियोडिकली बाय स्टॉक वेरीफायर्स ऑफ द अकाउंट। ये वही चीज लिखा हुआ है मुआवजा के दो बार, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं, और दोनों को जॉइंटली साइन करना है, किसको किसको, स्टॉक होल्डर को जो कि सीनियर सुपरवाइजर ग्रेड का है, ठीक है, और स्टॉक वेरीफायर, ठीक है, जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट की होगी, ठीक है। तो ये हुआ अब तक हमने क्या क्या टॉपिक्स लिए थे वो देख लेते हैं, टॉपिक्स क्या क्या था, स्टोर था, अच्छा स्टोर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो स्टोर डिपार्टमेंट है इसमें जो है रेलवे बोर्ड में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जल्दी से बता दूंगा, रेलवे बोर्ड में जो ऑफिसर होते हैं वो एएमआरएस होते हैं, एडिशनल मेंबर होते हैं ऑफ रेलवे स्टोर्स, और उनके अंडर में होते हैं ईडीआरएस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ रेलवे स्टोर्स, और फिर क्या होते हैं डीआरएस डायरेक्टर्स ऑफ रेलवे स्टोर। तो ये वहां का अपना रेलवे बोर्ड का स्ट्रक्चर है, एडिशनल मेंबर, ईडीआरएस और डीआरएस, ठीक है। उसके बाद जोनल लेवल पर जीएम एजीएम और उसके बाद पीसीएमएम प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर और सीएमएम और डिप्टी सीएमएम, ये हमारे कहां होते हैं जोनल लेवल पर। डिविजन लेवल पर कौन होते हैं, सीनियर डीएमएम डीआरएम एडीआरएम सीनियर डीएमएम, आपके भी ब्रांच ऑफिसर सब होते हैं, और सीनियर डीएसटी के इक्विवेलेंट जो वहाँ ऑफिसर होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, उनका नाम उनका डिजिग्नेशन होता है सीनियर डीएमएम सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर, और उनके साथ में डीएमएम भी हो सकते हैं और एडीएमएम भी हो सकते हैं, ठीक है। और डेपो लेवल डिप्टी चीफ मटेरियल मैनेजर और सीनियर मटेरियल मैनेजर और असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर, ये सारे पोस्ट होते हैं। तो ये स्टोर स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें मोटे मोटे तौर से, अब कोई डाउट हो इन जनरल तो एक बार बताना। सर इसका नोट लेकिन दे दीजिएगा, नोट सर से आप बात कर लेना, ये पीपीटी है तो सर एक बार हाँ ग्रुप में सर कर देंगे, ठीक है, पीडीएफ ये नहीं हाँ पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है सर। हाँ जी एग्जाम भी लिया जाएगा क्या, आएगा ना क्वेश्चन, क्वेश्चन मोर और लेस इसी में से आएगा, हाँ बस आप इसको पढ़ते रहना, फॉर्म नंबर याद लिख लेना एक बार, फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी आइटम्स की वेरिफिकेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो सब भी ध्यान रखना, ठीक है। मोटे मोटे तौर से जो मैंने जहां पर मैंने ज्यादा वेट दिया है वो समझ लो वो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, सर ये हिंदी वर्जन नहीं है क्या सर, क्या हिंदी वर्जन मैं सर से बोलूंगा सर हिंदी वर्जन का कुछ अरेंजमेंट करेंगे, सर ये तो पीपीटी डाल ही देना सर। हाँ जी हाँ जी सर से मैं बोल देता हूँ, ठीक है सर। और कोई डाउट सर, जो फील्ड बुक, हाँ जी फील्ड बुक होते हैं सर, तो हमें जो स्टोर से जो हमें जो मिलती है मटेरियल उसका डाटा रहती है सर? नहीं, फील्ड बुक एक्चुअली जो होता है ना वो अकाउंट डिपार्टमेंट उसको मेंटेन करता है, स्टोर तो बिन कार्ड मेंटेन करने का कोई ग्राउंड होगा ना। हाँ जी
हम लोग का डीटीपी आता है। आप लोग चाहो तो ब्लिंकार्ड यूज कर सकते हो या टेलीबुक यूज कर सकते हो। वो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डाटा के किस आधार पे वो फिल अप करता है डेटा। देखिए अब क्या हुआ, पर्टिकुलर डेट में आपने कोई रिसीट लिया, ठीक है, तो अब मैं उसका पूरा फॉर्मेट मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं आपको दिखा था, उसमें एक तरफ डेट होता है, ठीक है, और दूसरे तरफ पर्टिकुलर्स होते हैं। पर्टिकुलर का मतलब डेट हुआ और कौन सा वाउचर नंबर है। जैसे मान लीजिए कुछ वाउचर नंबर होगा, वाउचर नंबर डालिए, क्वांटिटी डालिए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपने रिसीट करी है, ठीक है, रिसीट करोगे तो प्लस हो जाएगा और उसको पिछले वाले में से ऐड करके आप जोड़ देना, ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। और जब आप किसी को इशू करोगे ना तो इशू नोट नंबर उसमें डालोगे, उतनी क्वांटिटी माइनस करके फिर आपको, और फिर फाइनल जो है बैलेंस, उसमें लास्ट कॉलम होता है बैलेंस का, वो फॉर्मेट है, बिल्कुल डिफाइंड फॉर्मेट है, जब आप देखोगे ना तुरंत समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। सर किसी को जो मटेरियल डीएस8 हो रहा है उसमें से किसी को कुछ खरीदना चाहता है तो फिर क्या करेंगे प्रोसीडर। अच्छा पहले ना, पहले ये था डिपार्टमेंटल सेल का एक प्रोविजन हुआ करता था, अभी भी ये है कि इसमें अपने अपने जो ऑफिसर होते हैं ना, ठीक है, वो उनको ये अथॉरिटी है कि आप जो मटेरियल है उसका पैसा भर के, पैसा कैसे, एक रेट होती है इसको बुक रेट बोलते हैं, उतना पैसा आप स्टेशन पर भर के आ जाओ एमआर लेके, ठीक है, और फिर उस एमआर के आधार पर आप उतना मटेरियल रिसीव कर सकते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टाफ सेल प्रोविजन, स्टाफ सेल, ठीक है। और बताइए, हाँ जी हाँ जी सर, स्टोर वेरिफिकेशन हुआ और उसमें मान लीजिए कि 3 ड्रम केबल कम हो गया, रजिस्टर में तो दिखा रहा कि केबल है लेकिन केबल कहीं इशू, हाँ ये आपने बहुत सही बोला कि भाई अगर ग्राउंड पर मान लो वो मिसिंग है, ग्राउंड पर नहीं है तो स्टॉक वेरीफायर क्या करेगा, उसको शॉर्ट मार देगा, उस लिख देगा कि ग्राउंड पर नहीं है, ठीक है, वो उतनी सर, वो लीक के लगे और उसपे वो दंड का प्रोविजन किए सर। बिल्कुल है अब बताता हूँ उसका, फिर वो शॉर्टेज लगाएगा तो वहां पर आपकी वीआर खड़ी हो जाएगी, ठीक है, वीआर का फिर आपको एक चांस आपको मिलता है जवाब देने का। अब आप जवाब दीजिए कि भाई ये चोरी हो गया या कहीं से मिसप्लेस हो गया, आपको पूरा जवाब देना, अगर ऑफिसर सेटिस्फाई है, ठीक है, तो बहुत सिंपल जो दंड है, मान लीजिए किसी की आपकी लापरवाही से अगर हुआ है तो सिंपल, सबसे सिंपल जो दंड है कि भाई आपसे ऑफिसर बोले भाई इसका पैसा भर दो, ठीक है, और वो केस वहीं पर वाइप ऑफ हो जाए। लेकिन ऑफिसर अगर वो आपकी जेन्युइन लापरवाही से अगर कुछ हुआ है तो ऑफिसर आपको पैसा भरने के साथ साथ आपको कुछ और पनिशमेंट भी दे सकता है, पास पीटी वगैरह भी ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, वार्निंग भी दे सकता है और वो आपके सीआर में रिकॉर्ड में मेंशन हो जाएगा। इसीलिए स्टोर का मैटर जो है, स्टोर का मतलब ऐसे समझो ना कि रेलवे का पैसा किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा, तो उसके साथ मतलब खिलवाड़ जो है बहुत रिस्की है, इसलिए स्टोर के मैटर में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डायरेक्ट पैसा है समझ लो गवर्नमेंट का, अगर चोरी वगैरह हो गया है तो अच्छे से उसका रिपोर्ट पहले ही बनवा देने का है, ऑफिसर के नॉलेज में ला देने का है, समय रहते, ठीक है, तो वो ऑफिसर के पास पावर होता है। उधर कैसे कर ले जाते हैं जी, फिर भी सर कुछ लोग इधर उधर कैसे कर ले जाते हैं, कुछ लोग, फिर से बोलिए जरा, ये डीएसएट का फुल फॉर्म क्या होगा। डी देखिए, डी 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 है असेट, असेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति, असेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति, और फुल फॉर्म वो नाम ही इसका है डी असेट, डी असेट को डी करना, समझे, संपत्ति को, हाँ, और उसी का शॉर्ट फॉर्म हो गया डी और एस और एट लिख दिया है, बाकी वो है डी असेट करना, असेट को डी करना, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। जैसे कि वो हमारे सीसी का स्टोर होता है तो उसमें जो सामान मटेरियल वहां से नया लाना होता है उसको तो लिख के देते सर,
लेकिन जो जो पुराना हाँ लिखित कुछ ऐसा के लिए कोई प्रोविजन है क्या? एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप अपना क्वेश्चन। एसएससी ऑफिस से कोई नया मटेरियल लेना होता तो उसको लिख के देना पड़ता है कि ये आइटम हमको चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रिलीज मटेरियल लेके हम लोग आते हैं तो उसको ऐसे ही एसएससी ऑफिस में रख देते हैं कि साहब ये ले लीजिए, तो इसके लिए कुछ कानूनन है क्या कार्रवाई होने का? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल प्रोविजन है इसका, ठीक है। क्योंकि आप देखिए एसएससी ऑफिस में भी टैली बुक मेंटेन होगा, आपका भी टैली बुक मेंटेन होगा, कहीं से भी ट्रांजैक्शन हुआ तो कहीं पर माइनस और कहीं पर प्लस होना ही होना है, समझ रहे हैं? जी सर। हाँ जी सर। स्टोर वेरिफिकेशन अगर शॉर्टेज होता है तो उसके लिए यह सब है, अगर सरप्लस निकल जाए तो? सरप्लस निकल जाना और भी खतरनाक है। आप सर आपसे तुरंत पूछा जाएगा कि आपने सरप्लस होने क्यों दिया भाई, इसका मतलब आपका कोई इंटेंशन था, आज आपने सरप्लस हो करते 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 और एक समय हो सकता है आप चोरी करवा दें, इसलिए सरप्लस होना भी सबसे डेंजर है। सरप्लस कैसे कैसे आपने बनवा दिया? कई बार तो शॉर्टेज में आप बच जाएंगे लेकिन सरप्लस में कभी नहीं बचेंगे, सरप्लस में ज्यादा गुना बड़ा गुना माना जाएगा। ख्याल आ गया? सरप्लस में तो भंडार इकट्ठा कर रहे हैं बेचने के लिए, बस वो इसीलिए उसमें इंटेंशन हमारा गलत प्रूफ हो जाता है, ठीक है जी। ठीक है सर। जी सर। चलिए फिर इसका थोड़ा नोट्स। हाँ मैं सर से बोल देता हूँ, ठीक है। तो बस आज यहीं तक रखें। चलिए होपफुली आपने एंजॉय किया, ठीक है। चलिए ओके, हिंदी वर्जन का कोशिश कीजिएगा, मैं सर से बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। चलिए चलिए ओके, शुभ दिन, बस यहीं तक। हाँ हम कह रहे हैं कि ये भी डायवर्ट किया और हम कह रहे हैं कि